हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीसीएम फॉर जेई 2022 के पेपर के सॉल्यूशन को। आज पेपर नंबर है 28, फिजिक्स का है 10th पेपर, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को इंक्लूड किया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट, जेई मेंस, सेक्शन ए, जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। थ्री चार्जेस क्यू, टू क्यू एंड फोर क्यू आर कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग इन द फिगर। वट इज द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी जो स्ट्रिंग है, इनमें टेंशन का रेशो पूछा है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल सिस्टम पे बात करें तो इंटरनल फोर्स ही लगेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्स का काम करेगा, वो टेंशन फोर्स भी इवन इंटरनल फोर्स है। सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला, ये सारे के सारे रेस्ट में रहेंगे। जैसे अगर मैं बॉल ए की बात करूँ, तो बॉल ए पर बॉल बी एंड बॉल सी दोनों के दोनों जो है ना, वो फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। बी जो है ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, के टू क्यू एंड क्यू, विच इज टू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस डी है तो डी स्क्वायर। ठीक है, ये इस वाले बॉल ने इस पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली सी जो है वो भी ए पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू वो फोर क्यू है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ये 2d हो जाएगा तो 4d स्क्वायर। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एंड 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो ओवरऑल जो रिपल्सिव फोर्स है वो 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। जिसको कौन बैलेंस करेगा, टेंशन फोर्स इस तरफ। इस टेंशन फोर्स को मैं T1 इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सो यार T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इस वाली स्ट्रिंग की बात करते हैं। इस वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको हम T2 इंक्लूड कर लेंगे। अब इस वाले चार्ज पे या इस वाले बॉल पे मैं फोर्स कैलकुलेट करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस A के कारण जो फोर्स लगेगा, Q वाला जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना लगेगा, K इंटू क्यू इंटू फोर क्यू, विच मीन्स 4 KQ स्क्वायर अपॉन 2D का स्क्वायर, मतलब 4D स्क्वायर। 4 से 4 अगेन कैंसिल आउट हो गया, K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 2Q जो है वो 4Q पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की वैल्यू भी इस तरफ आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, K 4Q इंटू 2Q, मतलब 8 Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सो ओवरऑल जो नेट फोर्स लग रहा है वो 8 प्लस 1 9, 9 KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा। हियर द टेंशन द स्ट्रिंग इज T2। सो योर T2 इज 9 टाइम्स KQ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। हमसे पूछा है AB और BC स्ट्रिंग में टेंशन का रेशियो, व्हिच मींस T1 बाय T2 पूछा है, तो T1 बाय T2 साफ-साफ नजर आ रहा है, 3 बाय 9 आएगा, व्हिच मींस 1:3, इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, तीन चार्ज हमें दे रखे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। इनमें से पूछा है कि कौन सा डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सही से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस वाले रीजन में देखूं, यहां देखूं इस वाले पॉइंट पर या यहां पे देखें, चलो तो ऑब्वियसली दोनों चार्ज जो है वो सेम अपोजिट पोलरिटी के हैं। इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इस वाले के कारण इस तरफ आएगा, एंड माइनस के कारण इस तरफ आएगा, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो फील्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, इसका फील्ड यहाँ पे वीक होगा, तो ओवरऑल जो फील्ड है वो इस तरफ ही आने वाला है। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है अपन को। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है जी, और इस वाले पॉइंट पे देखें तो ऑब्वियसली जो फील्ड है वो इस तरफ आएगा, ये भी क्लियरली नजर आ रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो क्यू का जो फील्ड है वो इस तरफ आएगा, माइनस क्यू का फील्ड इस तरफ आएगा, एंड माइनस क्यू का फील्ड इस तरफ आएगा, तो इन दोनों का जो फील्ड ऐड होकर के इस तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इस क्यू के काफी नजदीक चले तो क्यू का फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ओवरऑल जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ आएगा, अगर हम नियर बाय क्यू की बात करें तो, यहाँ पे है ना, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर देखा जाए तो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो फील्ड है वो जीरो बता रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट को शो कर रहा है, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बता रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखें तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा सही हमें नजर आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर बात करें तो। ठीक है, ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस वाले में देखें तो यहाँ पर देखो इस वाले फील्ड इधर आ रहा है, देखो, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। इस डॉट के ऊपर देखें तो फील्ड इस तरफ आ रहा है, या इस तरफ ले सकते हो आप, लेकिन फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आना मस्ट है। लेकिन इस वाले डायग्राम में देखें तो पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो फील्ड लाइन यूं आ रही है ना, तो इसका मतलब फील्ड कहीं ना कहीं इस तरफ इसी लाइन में आएगा, और यहाँ फील्ड जो है वो ये फील्ड लाइन यूं शो कर रखी है, हालांकि ये ठीक है। तो इनमें चारों में जो बेटर ऑप्शन है वो फोर्थ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ पॉइंट चार्जेस इज U1। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज है, कई सारे चार्ज रखे हैं, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी U1 के इक्वल है। क्लियर,
When a charge Q is added in the system without disturbing other charges, the potential energy becomes U2. अब मैं एक charge Q रख दिया किसी particular point पर, तो अब जो system की energy है वो U2 है। अब जो U2 है वो किसके equal होनी चाहिए? देखो U1 जो है ना वो इन चारों के आपस में interaction के कारण है, तो U1 तो वैसे ही रहने वाली है। अब charge Q को आपने रखा तो Q का interaction इन सबके साथ होगा, ठीक है, तो वो एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब Q का जो इंट्रैक्शन होगा तो Q की जो एनर्जी है वो भी ऐड होगी इसके अंदर। लेट्स से द पोटेंशियल ऑफ ऑल द चार्ज सिस्टम एट दिस पॉइंट इज V। तो अगर पोटेंशियल V है तो फिर चार्ज Q को रखने पर उस प्लेस पर चार्ज Q की एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू V। तो चार्ज Q की एनर्जी Q इंटू V होगी, और इन चारों की जो एनर्जी है वो यू वन है, दोनों का सम कर दें तो यू टू के बराबर होना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट वेयर द चार्ज Q इज प्लेस इन द सिस्टम। इस पॉइंट पर पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू पूछी है, V की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगी, यू टू माइनस यू वन अपॉन में क्यू कर देंगे तो अपने पास V की वैल्यू आ जाएगी। सो आंसर इज यू टू माइनस यू वन बाय क्यू। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए, फ्रॉम ए पॉइंट इफ वी मूव इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय डीवी बाय डीआर इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। देखो डीवी आपको दे रखा है 2 कॉस थीटा, और डीआर को इस तरफ ले जाऊं इनटू में डीआर आ जाएगा, और एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है डीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डीआर, ठीक है। लेट्स से एंगल बिटवीन ई एंड डीआर इज ऑल्सो थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ई डी आर, या डी आर को साइड में ले जाऊं मैं, तो ई कोस थीटा इंटू डी आर। काफी सिमिलर से हैं देखो ये, है ना। और इनका अगर कंपैरिजन करें हम तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और हम इस तरफ जा रहे हैं, सो डी आर वेक्टर जो है वो इस तरफ है और एंगल थीटा है, इस तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ई वैक्टर मैंने इस तरफ कंसिडर किया है, ई वैक्टर, तो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर मतलब ई डी आर कॉस थीटा आ जाएगा, और ई कॉस थीटा डी आर माइनस आ गया यहाँ पर। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से ई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? टू के एक्जैक्टली इक्वल टू आ रही है, मतलब ई जो है वो माइनस का टू आ रहा है, मतलब मैंने ई इस तरफ फ्लैट किया तो ई डेफिनेटली इस तरफ बता रहा है। सो आंसर इज ई इक्वल्स टू माइनस टू आई कैप इन वैक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर माइनस का टू आई कैप आ जाएगा, क्लियर। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आइए, a large sheet carries uniform surface charge density sigma, a rod of length 2L has a linear charge density lambda on one half and minus lambda on the other half. The rod is hinged at midpoint O and makes angle theta with the normal to the sheet. The torque experienced by this rod is, देखो ये charge sheet है, sigma charge density है, तो इसका जो electric field है इस region के अंदर वो uniform होगा, और उस electric field की value कितनी आएगी? Sigma upon में 2 epsilon naught. I think इसमें आपको कोई doubt नहीं होगा। मेटल शीट होती ना तो उस केस में आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट रखते, लेकिन यहाँ पर केवल लार्ज शीट दे रखा है तो हमें एक ही लेयर कंसीडर करनी चार्ज की, विच इज जो भी है उसके कारण जो फील्ड आएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। अब ये आधे पार्ट में तो लैम्डा है प्लस का, और रिमेनिंग हाफ में माइनस लैम्डा है, ये बता रहा है ये। तो देखो इस वाले पार्ट पर प्लस लैम्डा है पूरे पर, इस वाले पार्ट पर माइनस लैम्डा है। इसका डायग्राम मैं इधर बनाऊँ वापस, इधर देखिएगा आप, तो यहाँ पर प्लस लैम्डा पूरे पर और यहां पर माइनस लैम्डा, यहां से ये हिंज्ड है। अब इस पे पूरा कंप्लीट चार्ज लैम्डा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो लैम्डा इनटू एल, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है यहां पर 2l है, तो ये ऊपर वाली l है नीचे वाली भी l है, तो लैम्डा इनटू l इज कंप्लीट चार्ज। तो जो फोर्स लगेगा ना उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके सेंटर से पास होगा, जैसे ग्रेविटी लगती है ना m1g m2g m3g, तो g एक फील्ड है तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो जो फोर्स लगता है वो सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं जब टॉर्क की बात करते हैं अपन, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर ऑफ फोर्स जो है वो इसके मिड में आएगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा इनटू एल इज चार्ज, एंड ई से मल्टीप्लाई कर दें सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास फोर्स आ गया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगेगा, वो भी इसी टाइप से आएगा, सेम अपोजिट लगेगा। बट अब बात करते हैं टॉर्क की, टॉर्क पूछा हमसे यहाँ पर, तो देखिए ये एकदम जस्ट यहाँ पे मिड पॉइंट पर है तो कंप्लीट लेंथ एल है, तो ये वाला एल बाई टू आ जाएगा। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये वाली होगी, ये जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, अब ये वाला एंगल थीटा है तो एल बाई टू ये डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा एल बाई टू साइन थीटा परपेंडिकुलर। तो इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा अबाउट दिस मिड पॉइंट इज लैम्डा एल सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज एल बाई टू साइन थीटा।
ये आ गया जी हमारे पास टॉर्क। सेम टॉर्क इस फोर्स का भी आएगा, बट सेम डायरेक्शन में भी है ऑब्वियसली, फोर्स तो अपोजिट लेकिन टॉर्क सेम आएगा उसी टाइप से। तो मैं डायरेक्ट टू से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ये ओवरऑल टॉर्क आ चुका है, तो टू से टू यहां पर कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव लैम्डा एल स्क्वायर, सिग्मा भी आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ गया, अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये टॉर्क जो है ये हमें मैच करना है, देखना है, तो लैम्डा सिग्मा लैम्डा एल स्क्वायर सब में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है एक में, अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए। फिगर शोज टू शेल्स ऑफ द रेड आई आर एंड टू आर, द इनर शेल सेंटर एट ए इज नॉन कंडक्टिंग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज कैपिटल क्यू। तो अंदर वाला जो शेल है ना वो ये कह सकते हो नॉन कंडक्टिंग, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमें पता है शेल के कारण अंदर हर पॉइंट पर जो फील्ड है वो जीरो होता है और पोटेंशियल हर जगह इक्वल होता है, सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है जी। अब कह रहा है व्हाइल द आउटर शेल सेंटर एट बी, आउटर शेल का सेंटर यहां पर बी पर है, इज कंडक्टिंग एंड अनचार्ज्ड, द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी इज, ये कंडक्टिंग है लेकिन अनचार्ज्ड है। अब ये बताइए अगर यहां पर चार्ज क्यू है तो इस शेल के इनर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो कंफर्म है नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से जितनी फील्ड लाइंस इमिनेट होंगी वो सारी के सारी यहां जाके टर्मिनेट होंगी, और जो चार्ज है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो उतनी उतनी फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट होंगी तो ऑब्वियसली उतना उतना सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आना चाहिए, बट अपोजिट पोलरिटी का। टोटल चार्ज इस शेल पे जीरो था तो आउटर सर्फेस पे कंफर्म प्लस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बी पॉइंट पर हमें पूछा है पोटेंशियल कितना है, तो आप देखिए बी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं शेल बाहर वाला जो शेल दिख रहा है कंडक्टिंग शेल, उसका पोटेंशियल देखें तो माइनस क्यू जो है और एक प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना है जीरो है ना, जीरो चार्ज है तो जीरो चार्ज का बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा, तो उस शेल के कारण बी पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले के कारण, इस वाले के कारण तो सीधी सी बात है जो पोटेंशियल ए पे होगा सेम पोटेंशियल बी पे होगा, सो पोटेंशियल एट ए कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, जो भी सरफेस पे होता है वही सेम पोटेंशियल बी पे आएगा, सो आंसर इज के क्यू बाय आर, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आइए। स्फेरिकल इंसुलेटर ऑफ रेडाई रेडियस कैपिटल आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली विद चार्ज क्यू थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड एंड कंटेन्स ए पॉइंट चार्ज क्यू बाई 16 लोकेटेड एट इट्स सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो सेंटर से देखना है आर डिस्टेंस पर फील्ड का जो ग्राफ है वो कैसा है, कौन सा सही रहेगा। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जब अपन सॉलिड स्फीयर के अंदर बात करें तो एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज जो स्फीयर है उसका फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा उसका भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, उसकी वैल्यू कितनी, क्यू बाई 16 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ओवरऑल जो फील्ड है इस कंप्लीट स्फीयर के अंदर बात करें सेंटर से आर डिस्टेंस पर, वो फील्ड आर के रेस्पेक्ट में इस तरीके से वेरी करेगा। अब इसका जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, इतना तो कंफर्म है कि ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो किसी भी हालत में नहीं रहने वाली, तो ये तो हो गया जीरो यहां पर, ठीक है। और क्या आर जीरो करने पर ई जीरो आ रहा है, आर जीरो यहां करूं तो ये तो जीरो हो रहा है लेकिन ये इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया, तो दोनों तो हमने एलिमिनेशन मेथड से दोनों को दोनों रिमूव कर दिया। अब फोर्थ की बात करें और फर्स्ट की बात करें, इनको चेक करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो आर इंक्रीज अगर होगा तो ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, कन्फर्म है, ये डिक्रीज होगा, ये तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो कन्फर्म है कि ये वाला जो ग्राफ है ये तो स्मूथली जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, यहां पर r की पावर 1 है और 1 ओवर r की पावर 2 इसके साथ ऐड हो रहा है एक तरीके से, ये तो ग्राफ किसी हालत में बन ही नहीं सकता। अगर आपने मैथ्स बेसिक पढ़ी भी है तो आप ग्राफ से या इक्वेशन से आइडिया लगा सकते हो, फोर्थ तो पॉसिबल है ही नहीं, फर्स्ट इसमें जो है वो जा रहा है एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन फिर भी अगर अपना आइडिया लगाएं कि ये ग्राफ ऐसे जाकर के ऊपर जाके नीचे जाके ऊपर कब आएगा, इसको कैसे वेरीफाई करें, कैसे पता लगाएं, तो आसानी से पता लगा सकते हो आप, क्योंकि मिनिमा बन रहा है यहाँ पर। देखो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, मिनिमा के लिए हमें पता है दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, एक बार डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा माइनस टू के क्यू अपॉन 16 आर क्यूब, है ना,
ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से आर की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हो, मतलब आर की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डी बाई डी आर की वैल्यू जीरो तो होगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, और इस वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर के ऊपर जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो डी टू ई बाई डी आर टू जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, और हमें पता है यहाँ पर मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है जी। तो इसका मतलब मिनिमा कन्फर्म आएगा, ये तो ग्राफ सीधे सीधा गलत हो गया, ये वाला ग्राफ फिर फाइनली करेक्ट हो जाएगा। और आर रेडियस के बाद में ये तो पता ही अपन को कि जो गोला है वो भी एक पॉइंट चार्ज की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, देन बाहर जो है फिर फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर तो ये सही जाएगा। तो इसमें अगर आपको सेलेक्ट करना है थोड़ा बहुत ही बेसिक आइडिया, तो आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एट्थ पे चलिए। A small electric dipole P vector is placed on the x-axis at the point 1, 0. The dipole vector forms an angle of 30 degree with x-axis. Consider a non-uniform electric field to have been applied in the region given by the vector E vector x²i² + y²j². What is the force acting on the dipole? इस dipole पे लगने वाला force हमें पता करना है जी, ठीक है? ये वाला angle कितना है यहाँ पर? 30 degree है। और electric field दे रखा है हमें। तो एक काम करते हैं इसमें, सबसे पहले इस डायपोल के हम कंपोनेंट ले लेते हैं, एक डायपोल से दो डायपोल बना लेते हैं। देखिए ये डायरेक्शन है, एक डायपोल तो इस तरफ मैंने बना लिया, एक डायपोल मैंने इस तरफ बना लिया। इस डायपोल को लिख सकता हूँ P cos 30 और इस डायपोल को लिख सकता हूँ P sin 30, ठीक है? अब जो फील्ड है अपने पास, इस फील्ड को भी स्प्लिट कर लेता हूँ दो पार्ट में। एक तो जो फील्ड है x²i² वाला, सबसे पहले उसकी बात करता हूँ मैं। तो उसके कारण मैं सबसे पहले P sin 30 पे बात करूंगा। x²i² जो है, देखो x तो फिक्स है ना इस पर्टिकुलर लाइन पर, इस डायपोल को गौर से देखना, इस पर्टिकुलर लाइन पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। तो इस पर्टिकुलर लाइन पर फील्ड की वैल्यू जो है, फील्ड जो ये मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ जो फील्ड मैंने ड्रॉ किया है ये कौन सा है? x²i² वाला है। x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1i² हो जाएगा फील्ड। तो इस फील्ड के कारण इस डायपोल पे लगने वाला फोर्स 0 है, कारण डायपोल इस तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, नीचे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस डायपोल को देखें तो पॉजिटिव पे तो फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पे फोर्स इधर लगेगा, तो ओवरऑल फोर्स तो 0 आएगा ना, क्योंकि इस पूरी लाइन पर जो है फील्ड की वैल्यू तो सेम है। तो इस वाले पार्ट का x²i² वाले पार्ट का जो फोर्स है इस वाले डायपोल पर, मैं इस वाले डायपोल पर बात कर रहा हूँ, फोर्स 0 हो गया खत्म। अब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा y²j² वाले की, y²j² वाले पार्ट को रखूं तो y कोऑर्डिनेट यहां पे 0 है जी, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y की वैल्यू जब 0 है तो इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन जो फील्ड है उसकी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू 0 है तो इस P sin थीटा वाले पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें फोर्स लगाएं भी, तो देखो होता क्या है, जब भी डायपोल अपन फील्ड की डायरेक्शन रखते हैं ना, तो डायपोल पे लगने वाला फोर्स होता है पी डी ई बाय डी आर। अगर r डायरेक्शन में आपने डायपोल को रखा है तो फोर्स लगेगा पी डी बाई डी आर, ठीक है? बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखें। और लगेगा कैसा अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, वो आसानी से आप पता लगा सकते हो, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पी डी बाई डी आर, अगर मैं इस तरफ डायरेक्शन में देखूं तो y डायरेक्शन में तो डी बाई डी वाई हो जाएगा, तो अगर मैं डी बाई डी वाई करूं भी तो वाई स्क्वायर का कितना आएगा डिफरेंशिएशन, 2y आएगा, और 2y अगर आएगा तो y तो बचेगा ना, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है 0 है, तो इसका मतलब इस तरफ जो है वो फोर्स P sin 30 पे लगने वाला है ही नहीं। तो इस वाले पार्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो अब हम इस वाले पार्ट को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं अंडू कर देता हूँ इसको, ठीक है? तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, P sin 30 वाला तो खत्म हो गया। अब बात करता हूँ P cos 30 के लिए। P cos 30 के लिए बात करूं तो देखो सबसे पहले इस वाले पार्ट को देख लो, y²j² वाले पार्ट को, y²j² को अगर मैं कंसीडर करूं ऊपर की तरफ तो वो फील्ड ऊपर है, करेक्ट? y²j² वाला जो फील्ड है वो ऊपर की तरफ, और y कोऑर्डिनेट पूरी लाइन के लिए कितना है 0 है ना, तो 0, तो यहां पर फील्ड की वैल्यू 0 है, और फील्ड की वैल्यू अगर 0 है तो P फील्ड ऊपर की तरफ है, लेकिन उस y कंपोनेंट वाले फील्ड की वैल्यू 0 है। तो P cos 30 जो कि इस तरफ मैंने कंसीडर किया, उस पे चार्ज अगर मैं इस तरफ कंसीडर करूं नेगेटिव, इस तरफ कंसीडर करूं पॉजिटिव, तो नेगेटिव पर और पॉजिटिव पर फोर्स ही 0 लगेगा, तो y²j² का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला P cos 30 पर। अब बात करते हैं x²i² का, x²i² इधर ही आएगा, इसका फोर्स कितना आएगा P cos 30 एंड d/dx, इस केस में d/dx आ जाएगा, तो कितना आया 2x, x की वैल्यू कितनी है यहां पर 1 रख दीजिए आप, तो वैल्यू कितनी आ गई 2p cos 30, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर i कैप। क्यों आएगी i कैप? हालांकि इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा, नन ऑफ दिस दे रखा है, तो थोड़ा हो सकता है रिस्की हो, बाकी 2p cos 30 i कैप दे सकते हो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, पॉजिटिव क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और बढ़ भी रहा है इधर की तरफ, x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और डायपोल इस तरफ है तो माइनस इधर है प्लस इधर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने पे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्लस क्यू जहां पर है वहां फील्ड थोड़ा सा ज्यादा होगा स्लाइटली, तो प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा और माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा। यहां पर फोर्स थोड़ा वीक होगा, कारण क्योंकि फील्ड की वैल्यू यहां पर थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा कमजोर है, तो ओवरऑल जो फोर्स है वो इधर की तरफ लगेगा पूरे डायपोल के ऊपर। सो इसीलिए मैंने जो फोर्स के लिए जो डायरेक्शन चूज किया वो आई कैप चूज किया, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 2p cos थीटा cos 30 आई कैप, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाइंथ, टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ द रेडियस r1 एंड r2 कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप एज शोन इन द फिगर एट ऑल पॉइंट्स इन द ओवरलैपिंग रीजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से हमें बताना है। देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले पर रो डेंसिटी का जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ से मैं डिस्टेंस अगर मैं आर वन मान लूँ, आर वन वैक्टर, तो बताइए इस पॉइंट पर जो फील्ड है इस वाले पॉइंट पर ड्यू टू दिस कंप्लीट स्फीयर इज रो आर वन वैक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाला जो स्फीयर है इसका फील्ड जो है इस पॉइंट पर, यहां से मैंने ये आर टू वैक्टर ले लिया इस वाले पॉइंट के लिए, वो फील्ड आ जाएगा रो आर टू वैक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बट माइनस में, तो इन दोनों का जो फील्ड है वो यहां पर सुपर इम्पोज करेंगे, ओवरऑल फील्ड आ जाएगा, तो ये टोटल फील्ड यहां पे आ चुका है। अब यहां पर वेक्टर में ही है, अब इसको सेटल डाउन करना है अपन को, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। अब आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर जो है, अगर मैं यहां से इन दोनों सेंटर को ज्वाइन कर दूं, इसको ए वैक्टर मेंशन कर दूं, तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है ए वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर इक्वल टू आर वन वैक्टर, ट्राइंगल ऑफ वैक्टर एडिशन, देन वी हैव ए वैक्टर इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू वैक्टर, करेक्ट, ए वैक्टर जो है वो आर वन माइनस आर टू के इक्वल हो जाएगा यहां पर। ठीक है, मैंने क्या किया यहां पर देखो, ए वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर इक्वल टू आर वन वैक्टर, ऐसा किया ये, so we have a vector equals to r1 minus r2, इस पूरी क्वांटिटी को मैं a वेक्टर लिख सकता हूं। तो यहां इस रीजन के अंदर, ओवरलैपिंग रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आया है, यूनिफॉर्म आया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना जी, ये इनकरेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट नहीं, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है यहां पर, ये तो यूनिफॉर्म है, यहां पे साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट पूरा, और a वेक्टर भी इवन कांस्टेंट है क्योंकि सेंटर्स जो है वो फिक्स डिस्टेंस पर है, तो a वेक्टर गिवन है मतलब कांस्टेंट है, तो इस पूरे रीजन के अंदर फील्ड जो है a वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा ओवरलैपिंग रीजन के अंदर, तो फील्ड इज कांस्टेंट। तो फील्ड अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल, हाई जो पोटेंशियल है वो हमेशा हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, तो सेकंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट, डेफिनेटली सही है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नहीं जी यूनिफॉर्म है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द अपर पार्ट प्लस रो एंड माइनस रो इन द लोअर हाफ प्लेस हाफ placed on the rough horizontal surface on the figure, a uniform electric field setup is shown if mass of disk is capital M and its radius is capital R as well sufficient friction is present to prevent slipping, the initial acceleration of the disk is, electric field हमने लगा रखा है, ऊपर वाले पे plus rho charge density का charge है और नीचे वाले पे minus rho का है, जैसे आप release करोगे, देखिए इस पूरी disk का आधा आधा जो part दिख रहा है, इसका जो center है, center of mass कह सकते हो आप, even center of geometry भी कह सकते हो, उस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज अगर मैं क्यू लेट करूं, क्यू की वैल्यू मैं बाद में रख दूंगा क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्यू इनटू ई नॉट फोर्स इस तरफ लगा। सिमिलरली जो नीचे वाला नेगेटिव जो पार्ट है इस पे फोर्स अपोजिट लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन वैल्यू तो क्यू इनटू ई नॉट ही आएगी क्योंकि चार्ज तो सेम ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलरिटी का होगा, और ये ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस है इस वाले सेंटर से 4r/3π के बराबर होगी डिस्क के लिए। ठीक है, और ये दोनों जो है ना ये सेंटर के अबाउट यूं घुमाएंगे इस तरफ क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस वाले पॉइंट पर आगे की तरफ लग जाएगा, फ्रिक्शन भी लग गया आगे की तरफ। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है हमें डिस्क का, तो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहो तो यहां से आई यू आर से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा एल्फा से, और सेंटर ऑफ जो मास है इसका, ये सेंटर जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है डिस्क का, वो ए एक्सेलरेशन से जो है वो मूव करेगा। तो आइए इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं तो कितना आना चाहिए, देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है मैं स्मॉल आर कंसीडर कर लेता हूं, ये वाली स्मॉल आर है आई थिंक, तो स्मॉल आर की वैल्यू 4r/3π कर दूंगा और ये पूरा कैपिटल आर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो आई आर के अबाउट देखें टॉर्क, तो एफ का टॉर्क जीरो हो गया, इस क्यू ई नॉट का टॉर्क कितना आएगा, क्यू ई नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी विच इज आर प्लस स्मॉल आर,
ठीक है, ये टॉर्क इस तरफ और ये वाला टॉर्क अपोजिट, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा, तो माइनस का क्यू ई नॉट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, ये ओवरऑल टॉर्क आ गया इस एक्सिस के अबाउट, एंड टो इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा हमें, आई कितना आएगा इस डिस्क का, इस एक्सिस अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू, इस एक्सिस अबाउट होता है ये प्लस में एम आर स्क्वायर, पहले थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू अल्फा, अल्फा के लिए लिख सकते हैं ए बाय आर, ठीक है। आर से आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक, बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो कैपिटल आर वाला पार्ट यहां से कट रहा है, क्यू ई नॉट तो कॉमन आ गया, कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर, ये टू स्मॉल आर बचेगा यहां पर, और यहां देखें तो थ्री बाई टू एम आर ए, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू फोर क्यू ई नॉट अपॉन में थ्री एम आर, सही है, ये वैल्यू आ गई, क्यू ई नॉट आर भी आएगा यहां पर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम, देखो फोर अपॉन थ्री, ई नॉट भी गिवन है हमें, एम बी गिवन है, आर बी गिवन है, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले क्यू कितना आएगा, रो चार्ज डेंसिटी है और हाफ एरिया पे ये कवर्ड है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये आ गया। स्मॉल आर की वैल्यू फोर आर अपॉन थ्री पाई, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, चलो तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये भी ठीक है, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला भी ठीक है, और थ्री तो बचा रहेगा, टू से टू कट कर दो एक, तो टू इंटू फोर एट आ जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन आ जाएगा, और ये भी सेट कर दिया हमने। ई नॉट रो, ई नॉट रो लिख दीजिए, और आर स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में कितना आ गया, थ्री थ्री नाइन, और ये एम बचा, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ हमें मिलने वाली है, इसको मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं, एट बाई नाइन रो आर स्क्वायर ई नॉट अपॉन में एम, ठीक है। तो एट बाई नाइन एक ही ऑप्शन में मिल रहा है हमें, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन, तो टेंथ का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। चलिए, ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्क्वायर प्लेट हैविंग साइड एल कैरीज ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द प्लेट लाइज इन द वाइजर प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ए पॉइंट चार्ज क्यू लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू थ्रू द प्लेट इज फाई नॉट, व्हाइल द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू ड्यू टू द प्लेट इज एफ नॉट, ओके, अलोंग द एक्स एक्सिस। देन ये प्लेट हमें गिवन है, देखो इस प्लेट पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पर है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है, यहां से आपने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, एक सिंपल चार्ज, मतलब स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो यहां रखा हुआ है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्लेट है इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट है। इतना तो कंफर्म है, जितना फोर्स ये प्लेट इस पे लगाएगी सेम फोर्स क्यू भी लगाएगा इस पर, ये भी कंफर्म है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। और एक और चीज दे रखी है कि जो Q है, इस Q का जो फील्ड पास होगा इस प्लेट से, वो जो फ्लक्स पास होगा फील्ड के अकॉर्डिंग, जो फ्लक्स पास होगा वो फाई नॉट है। अब हमसे पूछा है कि जो फोर्स एफ नॉट लगेगा, मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा का रिलेशन क्या होगा एफ नॉट एल फाई नॉट के साथ, ये डिस्टेंस जो है वो एल के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको डील करना है। आइए देखिए, तो ये जो प्लेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना, प्लेट पर मैं कुछ एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ। प्लेट का साइड व्यू ऐसा आएगा, ये चार्ज है क्यों, इस चार्ज का फील्ड यहाँ से पास हो रहा है, सपोज यहाँ पर मैंने छोटा सा एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पे जो चार्ज आएगा उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू डी है, स्मॉल एलिमेंट मैंने ले लिया, एरिया कंसीडर किया, तो इस पर जो फोर्स है वो इसी तरफ लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसका जो फील्ड है ई वैक्टर, या चलो ई ले लीजिए, और इंटू मैं सिग्मा इंटू डी ए कर दूंगा, चार्ज कर दूंगा, तो फोर्स आ जाएगा इस तरफ, उस फोर्स को मैं डी एफ लिख सकता हूँ। अब हमें पता है कि फोर्स इधर भी लगेगा, ये वाले कंपोनेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंगल कंसीडर कर लेता हूँ, ए वैक्टर का एरिया वैक्टर जो है इस एलिमेंट का इस तरफ आएगा, और एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड ई वैक्टर इज थीटा, सो द फोर्स ऑन दिस एलिमेंट अलोंग दिस साइड इज सिग्मा डी ए विच इज चार्ज इंटू ई, मतलब फोर्स आ गया अलोंग दिस साइड, एंड कंपोनेंट अलोंग दिस साइड इज कॉस थीटा, दिस इज द फोर्स। अगर मुझे टोटल फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो सिग्मा है वो सिग्मा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ई डी ए कॉस थीटा, दिस इज कंप्लीट फोर्स एफ नॉट, इज दैट क्लियर। और ये देखो ये कितना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या, फ्लक्स ही तो है, ईडो डी ए ही तो है, ये किसका, चार्ज पॉइंट चार्ज का,
तो पॉइंट चार्ज का ये फ्लक्स है किससे पास होने वाला, फ्लक्स पूरी प्लेट से, और ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना है, फाई नोट है। सो सिग्मा फाई नोट इक्वल्स टू एफ नोट, सो ये सिग्मा इक्वल्स टू एफ नोट अपॉन फाई नोट, खत्म, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो एफ नोट अपॉन फाई नोट जो है वो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर यहां तक भी अप्रोच नहीं लगा पाए हो आप, तो आप डायमेंशनली इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। अगर आप डायमेंशनली चेक करो ना, तो यहां पर देखो एफ नोट अपॉन फाई नोट आ रहा है, डिवाइड में एल लेंथ आ रही है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ये भी देखो लेंथ ऊपर जा रही है, ये भी गलत हो जाएगा, और इसको भी देखो तो ये फाई नोट अपॉन एफ नोट है, ये एफ नोट अपॉन फाई नोट है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट बचेगा, डायमेंशनली आप चेक कर सकते हो। तो बेटा इन चीजों को भी लगाया कीजिए, एग्जाम में कई बार जो अप्रोच है वो लग नहीं पाती है जल्दबाजी के कारण, तो आप डायमेंशनली भी जरूर चेक कीजिए। 12वां, फोर पॉइंट चार्जेस ए बी सी एंड डी आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। The energy required to take the charges C and D to infinity, they are also infinitely separated from each other. C और D को आप infinite पे लेके जाना है, और हमसे पूछा है कि बताओ energy कितनी चाहिए होगी, मतलब वर्कडन पूछा है, सीधी सी बात है, external agent के through. Initial energy calculate कर लीजिए system की। अगर मैं system की initial energy calculate करूँ, देखिए simple है, चार का pair है, six pair बनेंगे इसमें, ये देखिए KQ square by A, लेट कर लीजिए डिस्टेंस ए, हालांकि दे रखा है, KQ square by A, इसका कितना आएगा, इसका भी KQ square by A, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ KQ square by A आ गया, इसको मत लिखिए वैसे भी कट जाएगा, इनका इन दोनों का कितना आएगा, माइनस KQ square by A, इसका भी माइनस KQ square by A, मतलब माइनस का 2 KQ square by A, तो वो तो उससे प्लस 2 KQ square by A से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कौन सा फिर, एक तो ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2, सॉरी माइनस का KQ square upon में रूट 2A, और ये भी आएगा सेम पेयर है 2, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई माइनस रूट 2, ये इनिशियल एनर्जी है, ठीक है। अब जब आपने इनफाइनाइट पे ले गए, सी और डी भी आपस में इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, तो उनकी तो एनर्जी जीरो हो गई, तो खाली क्या बचा, यही तो पेयर बचा, इसकी एनर्जी कितनी है अभी, फाइनल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो फाइनल इतनी है, इनिशियल इतनी है, तो फाइनल में से इनिशियल सबट्रैक्ट करोगे ना, तभी तो वर्कडन आएगा, तो फाइनल में से इनिशियल सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो वैल्यू कितनी आएगी, वन प्लस रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए, वन प्लस रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय ए जो है केवल और केवल थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। 13th पे आइए, देयर आर टू अनचार्ज्ड आइडेंटिकल मैट्रिक्स स्फीयर 1 एंड 2 फॉर रेडियस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, दो गोले हैं सेम रेडियस के, ठीक है, और काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हमने आपने रखा है, डी इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, तो जो आर जो है रेडियस जो है उससे काफी ज्यादा है डी। ए चार्ज मैट्रिक्स स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस हैविंग चार्ज क्यू इज टच्ड विद अदर ऑफ स्फीयर वन ऑफ द स्फीयर सॉरी, तो इन दोनों के तो चार्ज है नहीं, अनचार्ज है, अब एक दूसरा स्फीयर आप लेके आए, इस पे चार्ज कितना था, क्यू था, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्ट में लेगा दोनों के रेडियस सेम है, तो चार्ज जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाई टू क्यू बाई टू हो गया, ओके। अब आपने क्या किया, इस वाले गोले को यहां से सिस्टम से हटा दिया, भाग इसको दूर कर दिया, तो इस पे चार्ज तो आ ही गया ना, अब कह रहा है कि जो अनचार्ज स्फीयर है इसको अर्थ कर दिया, तो बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा, काफी सिंपल है ये, बताओ अर्थ करने का मतलब इस पे पोटेंशियल जीरो हो गया, इस पे चार्ज लेट कर लीजिए आप क्यू डैश है, तो इसके सेंटर पे भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए फिर, तो क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो जीरो होगा ना, तो हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, तो जो क्यू बाई टू है इसका, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई टू अपॉन में डी, और इस वाले गोले का इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस के क्यू डैश अपॉन आर, और टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बस खत्म, यहां से के हट गया, क्यू बाई टू उधर चला जाएगा, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, माइनस का क्यू बाई टू डी और इनटू में स्मॉल आर, तो माइनस क्यू बाई टू डी इंटू स्मॉल आर जो है वो केवल थर्ड ऑप्शन मिल रहा है हमें, तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 14th पे आइए, फोर पॉजिटिव चार्जेस टू रूट टू माइनस वन क्यू आर अरेंज्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, अनदर चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच कॉर्नर चार्ज इज जीरो इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू, देखिए यहां चारों कॉर्नर पे इतना चार्ज रखा हुआ, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं, जैसे स्मॉल क्यू डैश, सब पे स्मॉल क्यू डैश, ठीक है, और सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया आपने, अब कह रहा है सभी पे फोर्स जीरो है, इस पे तो जीरो होना ही होना है, ज्योमेट्रिकली सेंटर पे है, सिमेट्रिकली देखा जाए तो ये सारे के सारे जो फोर्स लगाएंगे उन फोर्स के बीच में एंगल भी बराबर बराबर हैं, और
सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ओवरऑल फोर्स इस पे तो जीरो आएगा, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज पे भी फोर्स जीरो है। अब इस वाले चार्ज पे फोर्स देखें तो क्यू डैश इस तरफ लगाएगा, ये वाला क्यू डैश इस तरफ लगाएगा, तो फोर्स कितना आएगा, लेट्स से डिस्टेंस इज ए, देन फोर्स आ जाएगा रूट टू टाइम्स। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे बेसिक प्रो से। तो के क्यू डैश स्क्वायर और रूट टू आएगा अपॉन में ए स्क्वायर। एक ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा के क्यू डैश स्क्वायर अपॉन में रूट टू ए का स्क्वायर विच मीन्स टू ए स्क्वायर। ये लॉजिक फोर्स आ गया, ठीक है। अब ये फोर्स कौन बैलेंस करेगा, ये वाला। अब ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मस्ट है, तभी तो इसको अंदर की तरफ खींचेगा ये, तो चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है, सारे के सारे नेगेटिव दे रखे हैं। खैर चार्ज मैंने क्यू कंसिडर कर रखा है मैग्नीट्यूड, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कितना लगाएगा के क्यू डैश इंटू क्यू, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है इसकी के क्यू डैश अपॉन क्यू अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक की, रूट टू ए का हाफ, मतलब ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू का स्क्वेयरिंग करेंगे तो ए स्क्वेयर बाई टू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें से देख लीजिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कट कर दीजिए, के कट गया, क्यू डैश भी हट जाएगा, तो ये देखो के भी गया और क्यू डैश भी ये कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी ए स्क्वेयर को आप रिमूव कर ही सकते हो यहाँ से, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू देखो कितनी है, ये वन बाई टू है तो टू रूट टू प्लस वन, यहाँ क्यू डैश बचा अपॉन में टू, और यहाँ आ जाएगा अपने पास टू क्यू, टू आपको यहाँ से यहाँ ले आना है, फोर आ गया। अब क्यू डैश की वैल्यू अपने पास टू रूट टू माइनस वन दे रखी है, तो टू रूट टू माइनस वन और टू रूट टू प्लस वन, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है क्यू टू रूट टू माइनस वन, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा एट माइनस वन बाय फोर इंटू क्यू, मतलब सेवन क्यू बाय फोर जो है इसका आंसर आएगा। ऑब्वियसली चार्ज जो है नेगेटिव होगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15th पे आइए, चार्ज q, 2q एंड माइनस q आर गिवन टू थ्री कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली, एज शोन द फिगर, द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ द शेल सी विल बी, सी के इनर और आउटर सर्फेस पे जो चार्ज है उसका रेशियो क्या है, मैग्नीट्यूड का नहीं पूछा है, ठीक है, विद साइन भी दे रखा है, देखो ऑप्शन के अंदर साइन भी रखना है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन, देखिए अंदर वाले पे गोले पे कितना चार्ज दिया q, इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस q, टोटल चार्ज कितना है दूसरे वाले गोले पर 2q, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल 3q, जोड़ के देख लो 2q माइनस क्यू एंड 3q 2q आ रहा है, यहाँ इसके आउटर सरफेस पे 3q है तो थर्ड वाले के इनर सरफेस पे कितना आएगा माइनस के 3q, आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा प्लस 3q एंड माइनस क्यू टोटल चार्ज है तो प्लस का 2q आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो अब जोड़ के देख लो माइनस का q आ रहा है, बस खत्म। तो थर्ड शेल पर इनर सरफेस पे चार्ज कितना माइनस का 3q है एंड आउटर सरफेस पे कितना है 2q है, दोनों को डिवाइड करोगे इनर एंड आउटर का तो माइनस का 3 बाई 2 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफी इजी क्वेश्चन था ये, आइए टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू माइनस a प्लस a, द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल v अलोंग द x एक्सिस गिवन बाय, ये लाइन है जी, यहां पर माइनस a पे चार्ज q रखा, पॉजिटिव चार्ज है, यहां प्लस a पे भी रख दिया, पोटेंशियल इतना तो कंफर्म पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आना नहीं है, तो नेगेटिव में जो भी ग्राफ जा रहा है उसको गलत कर दो, कट कट कट, बचे दो, अब इनमें चेक करना है। तो ये देखिए आप कि इन दोनों में ये वाला पार्ट सेम है, अब इसको चेक करना है बस। अब आप ये देखें कि अगर मैं चार्ज के काफी नजदीक चला जाऊं तो कंफर्म है पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई स्मॉल आर होगी, स्मॉल आर अगर बहुत कम है तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा ही होना चाहिए, है ना, इन्फिनिटी तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये देखो इन्फिनिटी तरफ जा ही नहीं रहा, ये यूं आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, फाइनल आंसर क्या आ गया थर्ड। और वैसे भी देखें यहां पर मिड पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम आ रहा है, देखो ये दे रहा है ना मिनिमम, क्योंकि Q का भी पोटेंशियल आएगा, इस Q का भी पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर ऐड तो होगा लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होगा, सबसे ज्यादा तो यही होगा इन्फिनिटी पे, है ना, इन्फिनिटी आएगा, तो पोटेंशियल का ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, करेक्ट। और पोटेंशियल जो है एक्चुअल में देखा जाए तो E जो है, E आप सब लोग जानते हो, E बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर अपन लिखते हैं, है ना, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फर्म है जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा तो डीवी बाई डी आर डेफिनेटली जीरो होना चाहिए, तभी तो स्लोप जीरो ही है, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा थर्ड। 17th, फिगर शोज ए क्लोज डॉटेड सरफेस विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग अनचार्ज स्फीयर, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सर्फेस, ये क्लोज सर्फेस दे रखी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण इंडक्शन के कारण यहाँ पे कौन सा आएगा नेगेटिव, यहाँ कौन जाएगा पॉजिटिव, तो ये जो क्लोज सर्फेस आपको दे रखी है ये वाली, इसमें टोटल चार्ज कितना आ रहा है नेगेटिव तो आ रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव, खत्म। तो क्लोज सर्फेस जो फ्लक्स पास होगा इस फील्ड का वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सर्फेस इज नेगेटिव, विल रिमेन जीरो, विल बिकम पॉजिटिव, विल बिकम नेगेटिव, डाटा इनसफिशिएंट, थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा।
18th. Six charges are placed at the vertices of a rectangular hexagonal. Okay, I shown the figure. The ठीक है रेक्टेंगुलर रेगुलर हेक्सागोनल है ठीक है एज शोन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन पासिंग पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द फिगर एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ओ इज पॉइंट ओ दिख रहा है इससे परपेंडिकुलर मतलब यहां पर इस पॉइंट पर फील्ड पूछा आपसे ठीक है इस पॉइंट पर आपसे फील्ड पूछा है तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है ये तो देखो इसको डायपोल के कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो बहुत आसानी से एक तो डायपोल ये बन गया क्यू माइनस क्यू है ना डिस्टेंस कितनी है अगर ए है तो ये भी 2a होगी ये तो पता ही है अपन को तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा p इक्वल्स टू q इनटू 2a ये डायपोल मोमेंट आ गया तो इस डायपोल का इस वाली एक्सिस पर अगर मैं फील्ड देखूं तो देखना डायपोल मोमेंट तो माइनस q से प्लस q होता है लेकिन फील्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपोजिट होता है इस तरफ आएगा सही है उस फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ शो कर देता हूं इस डायरेक्शन में ठीक है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी k p अपॉन r क्यूब r नहीं है यहां पर x है तो x क्यूब लिख दूंगा p की वैल्यू में रख सकता हूं तो इधर आएगा फील्ड सिमिलरली इस वाले डायपोल को देखो आप इसका फील्ड किधर आएगा प्लस q माइनस q तो इस पॉइंट पर इस तरफ आएगा ना तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा इस फील्ड को मैं e नोट लिख देता हूं तो इसका e नोट इधर आएगा इसका e नोट इधर आएगा एक डायपोल इधर दिख रहा होगा आपको इसका फील्ड किधर आएगा इस डायरेक्शन में आएगा देखो तो तीन फील्ड आ रहे हैं इस पॉइंट पर इन तीनों का जो रिजल्टेंट है ऑब्वियसली इधर ही आएगा क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये 60 डिग्री एंगल है ये 60 डिग्री एंगल ये ई नोट है ई नोट तो ई नोट कॉस 60 ई नोट कॉस 60 ई नोट कॉस 60 मींस ई नोट बाय 2 एंड इस वाले का भी ई नोट बाय 2 तो टोटल कितना आ गया ई नोट बाय 2 प्लस ई नोट बाय 2 एंड ई नोट व्हिच मींस 2 ई नोट तो टोटल फील्ड इस तरफ आ रहा है और ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट का कैंसिल आउट हो जाएगा तो टोटल फील्ड कितना आया 2 टाइम्स ऑफ ई नोट और ई नोट की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर चलो रख दो अब फील्ड की वैल्यू कितनी है देखो के 2 तो आएगा आएगा चलो यहां रख देता हूं देखो 2 टाइम्स ऑफ e और e नॉट की वैल्यू कितनी है k k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब आ गया एंड देन p की वैल्यू आएगी p की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 q a 2 2 4 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आंसर क्या आ जाएगा q a अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट q a अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब तो q a पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन x क्यूब मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फाइनली सेकंड ऑप्शन ठीक है QA मल्टीप्लाई में है ये QA ठीक है QA upon pi epsilon naught x cube सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा ओके तो चलिए आगे सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 सिक्स पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर रिजिडली फिक्स्ड एट द सिक्स कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर सॉफ्ट फिल्म ऑफ इट्स साइड A द सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट फिल्म इज गामा द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम एंड A इक्वल्स टू K q square upon gamma whole power 1 by n where k is constant then n equals to as a same question agar aapne JEE mains ke question dekhe honge ya advance ke question dekhe honge to unme ek square ke corner pe charge rakhe the char to ye bhi usi type ka hai utna detail mein jane ki ya complete solve karne ki zarurat nahi hai is question ko dekha jaye to regular hexagonal hai ye theek hai ab surface tension kaaran force lagna jaise maan lijiye is charge ko maine consider kiya hai इस चार्ज पे यहाँ जो चार्ज बैठा है वो फोर्स इधर लगाएगा यहाँ जो चार्ज फोर्स है वो इधर लगाएगा ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा ये वाला इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा ओवरऑल अगर सिमेट्रिकली देखें ना तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा और जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू उसमें के भी आएगा क्यू स्क्वेयर भी आएगा सारे के सारे आइडेंटिकल हैं अपॉन ये जो डायमेंशन जो लेंथ है वो ए की टर्म्स में ही तो होगी जैसे ये ए है रूट थ्री ए हो गई तो ए स्क्वेयर तो कन्फर्म आएगा आएगा बाकी कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा अब पता नहीं जो भी आने वाला है उसके अलावा जो फोर्स है सरफेस टेंशन वाला वो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है यहाँ जैसे इस वाले पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस तरफ लगेगा यहाँ पर देखें तो इस तरफ लगेगा अगर ये एकदम स्ट्रेट लाइन है तो 2 गामा एल इधर लगा 2 गामा एल इधर लगा है ना तो फोर्स जो है वो भी अगर देखें तो अगर उसको कंप्लीटली भी नहीं लिख रहे हो तो उसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा लेकिन कंपोनेंट आने के बाद यहाँ मान लीजिए कोई के डैश मान लिया तो यहाँ गामा तो कन्फर्म आने वाला है और उसके अलावा ए भी आएगा है ना सरफेस टेंशन के साथ लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो फोर्स आएगा तो उसी की प्रोपोर्शनलिटी में आएगा तो कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाकी तो इसने कांस्टेंट दे रखा है कि यहाँ पर देखो ये तो यहाँ देखो अगर गामा ए प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो फिर गामा को डिवाइड में ले जाओ तो ए क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय गामा तो फिर ए प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन गामा की होल पावर 1 बाय 3 सो यर एन इक्वल्स टू 3 खत्म
तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली आपको इसको प्रोपोर्शनलिटी से ही सोल्व करना था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। टू नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फेरिकल सर्फेसिस विच आर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस इन द फिगर। अज्यूमिंग स्प्रिंग्स आर आइडियल, कैलकुलेट द कंप्रेशन द ईच स्प्रिंग बोथ द हेमिस्फेरिकल सर्फेस आर जस्ट टचिंग ईच अदर। दोनों जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है एक तरीके से, लेकिन ये जो चार्ज है ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, तो ये चार्ज स्फीयर जो है इस पे फोर्स तो लगाएगा रिपल्शन का, तो वो फोर्स कितना होगा? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में आपने सुना हो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण यहां पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो स्फीयर है ये वाला स्फीयर इस पे फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, विच इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर जो है इस सरफेस पे हर पॉइंट पे लगेगा, और उस प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, और स्प्रिंग ये कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशन मान लीजिए एक्स है तो के एक्स आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है यहाँ पर कि वैल्यू कितनी है, तो कंप्रेशन द स्प्रिंग, कंप्रेशन पूछा है, अच्छा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्मॉल के है, स्मॉल के रख देंगे। चलिए अब देखते हैं क्या वैल्यू रखनी है हमें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई आर, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 एप्सिलॉन नॉट की है, 4 एप्सिलॉन नॉट की रख दीजिए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ आ गया के स्मॉल के एक्स, इससे कट गया 2, के से के कट जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डायग्राम, देखो इस डायग्राम में क्या दे रखा है, एक तो चार्ज क्यू फिक्स्ड है, एक चार्ज 2 क्यू है, इसको आपने लॉन्च कर दिया किसी स्पीड वी से। अब ड्यू टू रिपल्शन ये तो फिक्स्ड है, ड्यू टू रिपल्शन ये चार्ज जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी आएगी, है ना, कुछ इस टाइप से इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। तो जब ये एकदम नजदीक पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी तो राइज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर कह रहा है मिनिमम जो स्पीड है ना ड्यूरिंग मोशन, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा एम मास या जो चार्ज 2 क्यू है, इसकी मिनिमम स्पीड जो है वो इनिशियल का 1/√3 टाइम्स है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि इस चार्ज के अबाउट अगर देखें ना तो इस चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में रहेगा, तो उसका उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो जीरो लगेगा, जैसे कैपलर्स लॉ में आप करते थे वैसे ही सेम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? एम वी, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये आई जाएगी एम वी साइन थीटा, साइन 30 मतलब बोले तो 1/2, और इनटू में आ जाएगा बराबर। जब यहां पहुंचेगा तो स्पीड कितनी है? v/√3 एंड मास m, तो mv/√3, और ये वाला डिस्टेंस अपने पास शायद आई थिंक पूछी है ना, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, तो ये डिस्टेंस जो है r मान लीजिए, परपेंडिकुलर भी है, लीनियर मोमेंटम इस तरफ आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r ओबी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, √3 r/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा, √3 r/α दे रखा है और अल्फा की वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 4th, two identical charged spheres are suspended by a string of equal length, the string makes an angle of 30 degree with each other, strings make an angle of 30 degree with each other when suspended in the liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same, find the electric dielectric constant of the liquid, density of the material of the sphere is 1.6 gram per cc। काफी famous question है ये, जब आप sphere को दोनों को अगर जैसे इन पे चार्ज q है, इस पे चार्ज q है, सेपरेशन के बीच में r है, मान लीजिए वाला एंगल थीटा है ना, अभी एयर के अंदर है, ये टेंशन इधर की तरफ t लग गया, mg डाउनवर्ड लग गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स इस तरफ लग जाएगा विच इज k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा, ये वाला t sin थीटा इक्वल्स टू, चलो रख देते हैं अपन k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और t cos थीटा किसको बैलेंस कर देगा? mg को, डिवाइड करें तो tan थीटा आ गया, tan theta equals to k q square upon mg r square आ गया। अब आपने इस पूरे सिस्टम को लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो रहा, बट टेंशन जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि mg तो लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इफेक्टिव फोर्स जो है इसके ऊपर, वो 1/k टाइम्स हो जाएगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, और बायंसी फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा लिक्विड के अंदर जिसमें आपने इमर्ज किया है, बायंसी फोर्स कितना आएगा? सिग्मा ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इंटू जी, तो बायंसी फोर्स भी ऊपर की तरफ लग गया, सही है, और टेंशन टी डैश है यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम देखें इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, एक तो टी साइन थीटा इधर लगेगा जो कि एक्जैक्टली इसके बराबर होगा, देखो टी साइन थीटा इक्वल्स टू टी डैश, मान लो टी डैश साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल के आर स्क्वायर, और टी कोसीटा की वैल्यू कितनी आएगी? टी कोसीटा ऊपर, सिग्मा वीजी अपवर्ड, तो सिग्मा वीजी को
और एम जी डाउनवर्ड है, तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस सिग्मा वी जी। डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो अगेन टेन थीटा आएगा, इसको अपन रख सकते हैं के क्यू स्क्वेयर अपॉन कैपिटल के आर स्क्वेयर, और यहाँ जाएगा एम जी माइनस सिग्मा वी जी। तो देखो के क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव एम जी, जिसे जी बी काट दो चाहो तो यहाँ बचा एम इक्वल्स टू के, अंदर एम है एम से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, नहीं तो के की तो वैल्यू निकालनी है ना अपन को, एम माइनस सिग्मा वी ये आ गया। सो वी हैव के इक्वल्स टू एम अपॉन एम माइनस सिग्मा वी। अब m जो है गोले का मास है, गोले का मास, गोले की डेंसिटी रो है, वॉल्यूम v, ये रो v माइनस सिग्मा v, v v कट जाएगा, तो अपने पास k की वैल्यू कितनी आई, k इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, खत्म। रो की वैल्यू अपन दे रखी है 1.6 माइनस सिग्मा की वैल्यू 0.8, तो 1.6 माइनस 0.8 काटो कितनी वैल्यू आ गई 2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिफ्थ, consider an electric field E naught x cap where E naught is a constant, the flux through the shaded area as shown in the figure due to this field is alpha E naught a square by 2, find the alpha। ये shaded region जो दिख रहा है, इन points को अगर आप गौर से देखो, इनसे flux find करना है, तो ये देखिए इससे जो field and even field जो है E naught x, मतलब इस direction में x की direction में इस तरफ है, तो ये जो field है वो field का जो भी flux होगा इस surface से, वो same flux अगर आप देखो इस वाली surface के बराबर नहीं होगा क्या, इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास होगी सेम फील्ड लाइंस इस सरफेस से भी पास होगी, करेक्ट। तो इसका मतलब इस सरफेस से फ्लक्स चाहिए, तो इस वाली सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर लो, इस वाली सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा, ई नॉट परपेंडिकुलर भी इवन इनटू मी, इस ट्रायंगल का एरिया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 इनटू बेस इज ए, हाइट इज ए स्क्वायर, तो फ्लक्स आ जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर बाय 2, सो योर अल्फा इज 1, खत्म। फिफ्थ का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड एज फॉलोज। ठीक है, जैसे मैं यहां पे सेंटर लूं पॉइंट ओ, मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो आर वेक्टर क्या आएगा यहां पर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और रेडियल डिस्टेंस क्या आएगी, आर की वैल्यू सिंपली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसमें इसको पुटअप करूँ तो देखो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये तो आ गया आर वेक्टर, और ये देखो स्क्वेयरिंग हो जाएगा ना, आर स्क्वायर के बराबर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में आर वेक्टर के लोंगे, और इसका मॉडुलस लें अगर अपन, मॉडुलस तो आर वेक्टर का मॉडुलस आर आएगा और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, ए अपॉन आर इसका मॉडुलस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए अपॉन आर के बराबर है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टू इमेजिनरी कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स of radii r and 2r with center at origin is alpha pi epsilon naught a square r, then find alpha। ये कह रहा है दो sphere हैं imaginary, एक की radius r है, एक की radius 2r है, तो इनके बीच का जो region है इसमें energy कितनी store हो रही है field के according, तो देखो field की value r के according तो हमें पता लगी गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर small r distance पर एक shell consider कर लेते हैं dr thickness का, ठीक है, इस शेल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी जो होगी उसको मैं लिख दूंगा डी यू, और डी यू अपॉन डी वी आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो, तो डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई स्क्वायर आएगा विच इज ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू डी वी, डी वी मतलब इस वाले पार्ट का वॉल्यूम, देखो ये जो मैंने शेल बनाया ना इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा 4πr² dr, 4πr² dr कर दूं, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो r² से r² कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2πε₀a²dr, तो ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है du, इंटीग्रेट करना बस इसको, r को इंटीग्रेट कर दो r से 2r तक, तो वैल्यू आ जाएगी 2πε₀a², और dr का इंटीग्रेशन r आ जाएगा, अपर लिमिट 2r है, लोअर लिमिट r है, तो 2r - r, r ही बचेगा, फाइनल आंसर कितना आया 2πε₀a²r, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर भी कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। Seventh, if the electric potential of the inner metal sphere is 10 volt and that of the outer shell is 5 volt, then the find the potential in the center. देखो भाई, metal है, अंदर electric field क्या होगा? Zero. Potential क्या हो जाएगा? Constant. जो यहाँ पे जो potential होगा, same potential यहाँ पे होगा center पे. और यहाँ पे कितना देगा? 10 volt. तो center पे कितना आएगा? 10 volt. तो answer इसका कितना जाएगा? 10 volt. ठीक है? Okay. तो ये था आपका section B.
आई थिंक आपका पेपर अच्छा गया होगा, एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है काफ़ी, तो अच्छे से ऐसे मेहनत करते रहिए और जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, है ना, जिनके भी आपने पेपर दिए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए इन दिनों में। पार्ट टू पे चलते हैं, जेई एडवांस्ड सेक्शन ए, ठीक है। सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दो पैराग्राफ हैं, चलिए देखते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और दो स्मॉल न्यूट्रल कंडक्टिंग बोल्स हैं और इनको एक कंडक्टिंग थ्रेड से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब इस थ्रेड के थ्रू चार्ज पास हो सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो चार्ज बोल्स हैं या अनचार्ज जो बोल्स हैं उनकी रेडियस स्मॉल आर है, और जो कि स्मॉल आर स्मॉल एल के कंपेरेटिवली काफ़ी लेस है, बहुत कम है, और कैपिटल एल लेंथ वो है जब इनको सिस्टम को रिलीज करेंगे ना हम, तो आप ये कह सकते हो इन दोनों के बीच की मैक्सिमम जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल एल, क्योंकि ये थ्रेड की एक्चुअल लेंथ है कैपिटल एल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अगर आप इस सिस्टम को रिलीज करते हो और इन दोनों जो कंडक्टिंग बोल्स है इन पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, रिलीज करते ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। ये कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल इंड्यूस चार्ज ऑन ईच बॉल इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि दोनों पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। देखिए इधर ये फील्ड है जी, ठीक है, और ये छोटी सी दो मेटल बॉल्स है और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, एल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो ये तो है कि इसमें ड्यू टू इंडक्शन चार्ज आएगा इन पे। अब ड्यू टू इंडक्शन चार्ज आएगा, वो चार्ज किस तरीके से इन पर अरेंज होगा वो देखिए आप। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, चार्ज आएगा और चार्ज इस वाली बॉल पर नेगेटिव आएगा, क्यों, पॉजिटिव पे फोर्स इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो इस वाले गोले पर जो चार्ज है आप ये कह सकते हो नेगेटिव, और इस वाले गोले पर पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव, ऑलमोस्ट बहुत छोटे हैं तो लगभग लगभग यूनिफॉर्मली आप मान भी सकते हो काफ़ी छोटे हैं और दूर हैं दूसरे से, एक दूसरे से काफ़ी दूर है, क्योंकि डिस्टेंस एल जो है वो आर के कंपेटिवली काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। तो ये इनिशियल चार्ज आ गया, इस पे लेट से माइनस का क्यू आया है तो इस पे प्लस का क्यू आएगा, ठीक है, तो ये क्यू चार्ज मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ, दोनों टोटल चार्ज तो जीरो ही होगा यहाँ पर। अब देखिए क्या है, हमसे पूछा है कि इनिशियल चार्ज कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली रफली हमें बताना है, तो पहली बात तो देखिए दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इस वाले गोले पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितना आएगा, देखिए इस वाले लेफ्ट साइड वाले गोले पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू अपॉन रेडियस आर, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा अंदर, और इस वाले गोले के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को क्या लिखोगे, प्लस के क्यू अपॉन में एल, क्योंकि डिस्टेंस एल के इक्वल है, ये पोटेंशियल आ गया। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो इफेक्ट पड़ेगा, अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस पूरी लाइन पर मैं पोटेंशियल वी वन कंसिडर कर लेता हूँ और इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल वी टू, ये एक्सटर्नल फील्ड का है। तो अगर इस रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल अगर वी वन है जहां पर ये गोला प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वहां पर वी वन भी एक्सटर्नल फील्ड के कारण पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका फील्ड भी यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, यहाँ पर वी वन आ गया। अब ये जो पोटेंशियल है इस वाले गोले का, इस वाले गोले पर जो पोटेंशियल आएगा उसके बराबर होगा। अब इस वाले गोले पर पोटेंशियल कितना आएगा, देखिए एक तो खुद का आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और एक उधर वाले गोले का आएगा पोटेंशियल जो कि नेगेटिव में आएगा माइनस के क्यू बाय एल, और एक्सटर्नल फील्ड का जो पोटेंशियल है वो वी टू आ गया इस तरफ, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी है, अब देखिए आप माइनस के क्यू बाय आर को मैं इस तरफ ले आया हूँ ले आऊँ, और के क्यू बाय एल को भी आप इस तरफ ले जाइए और वी टू को इधर ले आइए, तो वी वन माइनस वी टू आया इस तरफ, और राइट हैंड साइड क्या आएगा टू के क्यू बाय आर, और यह आ जाएगा माइनस का टू के क्यू बाय एल, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एंड वी वन माइनस वी टू कितना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो वी वन माइनस वी टू डेफिनेटली ई टाइम्स एल के इक्वल होगा, इसको मैं ई टाइम्स एल लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा अपने पास टू के क्यू अपॉन आर माइनस टू के क्यू अपॉन एल। तो इस रिलेशन की हेल्प से आप इनिशियल चार्ज फाइंड कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली पूछा है, सो हियर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो इस वाले पार्ट को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो इसके कंपेरेटिवली,
ठीक है, तो क्योंकि और कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन हमें यहाँ दे नहीं रखा है, तो इसको मैं नेगलिजिबल कंसीडर करूँ यहाँ पर, तो रफली आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। और के की वैल्यू अपन जानते हैं 1/2 4π एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 2π से 2 से 2 कट जाएगा। देन वी हैव स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कितना है, देखिए 2π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा ई इंटू एल के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, और साथ में स्मॉल आर भी आ जाएगा। तो ये इनिशियल चार्ज आ जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट ई एल आर, और वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है ना। तो इस वजह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा इससे, है ना, अप्रोक्सीमेटली हमें बताना था, तो इस वजह से हम इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखो इसको मैंने रब नहीं किया क्योंकि आगे जरूरत पड़ सकती है इसकी। ये कह रहा था मैक्सिमम स्पीड अप्रोक्सीमेटली ईच बॉल इन सब्सिक्वेंट मोशन। देखो आप इनको रिलीज करोगे तो रिलीज करते ही माइनस क्यू पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इस तरफ लगेगा, स्मॉल क्यू पे फोर्स उधर लगेगा, तो ये दोनों दूर भागेंगे ना। ओवरऑल सिस्टम पे लगने वाला फोर्स जीरो है क्योंकि दोनों पे फोर्स अपोजिट लगेगा, सिस्टम पे फोर्स जीरो है, लेकिन दोनों मूव तो यूं करेंगे ही करेंगे। और जब मैक्सिमम, जब ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रेड लेंथ के बराबर होगा, तो उस समय मैक्सिमम स्पीड गेन करेंगे, उसके बाद में तो मूव कर नहीं पाएंगे ये। तो जस्ट स्ट्रिंग या जो थ्रेड है उसमें टेंशन आने वाला है, उससे जस्ट पहले की बात करें तो दोनों के पास स्पीड मैक्सिमम होगी, इसके पास भी स्पीड मैक्सिमम होगी, उसके पास भी स्पीड मैक्सिमम होगी, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, जीरो है यहाँ पर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ लगा सकते हैं बेझिझक होकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि फाइनली इस वाली बॉल की स्पीड अगर वी है, तो उस वाली बॉल की भी स्पीड वी होगी, और नेट मोमेंटम कितना आएगा, जीरो, जो कि इनिशियल वाली इनिशियल वाले मोमेंटम के बराबर था। तो मैं दोनों की स्पीड सेम रखने वाला हूँ। इनिशियली आपने यहाँ से सिस्टम को रिलीज किया है, तो देखिए अब एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वो वाला रिलेशन मैं यूज कर सकता हूँ आगे फर्दर। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं। ओके, देखिएगा इधर, ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। देखो यहां से आपने सिस्टम को रिलीज किया, तो अभी देखा जाए तो इनिशियली सिस्टम की एनर्जी कितनी है, देखिए यहां पर एनर्जी कितनी है, एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व करेंगे। तो एक तो माइनस क्यू की आएगी एनर्जी खुद की, ठीक है, तो इसको मैं डायपोल कंसिडर कर सकता हूं, या डायपोल ना भी करो तो भी डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एक तो पोटेंशियल फील्ड वी में, वी वन में रखा हुआ ये, ठीक है, तो वी वन में रखा हुआ है, तो वी वन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, एक वी टू कारण आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं डायपोल के कॉन्सेप्ट से इसको डील कर लेता हूँ। तो डायपोल बन जाएगा ये माइनस क्यू स्मॉल क्यू, लेंथ कितनी दोनों के बीच में एल है, डायपोल मोमेंट कितना आएगा, क्यू माइनस का क्यू, ठीक है, सॉरी क्यू इंटू एल, ये डायपोल मोमेंट आ गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो एनर्जी कितनी आएगी, माइनस पी इंटू ई, एंड योर ई इज ई, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो क्यू है ना, ये क्यू इनिशियल वाला ये है, इसको मैं क्यू नोट लिख देता हूं, ठीक है। अभी चार्ज इन पे कितना है, क्यू नोट है, एक तो डायपोल की आगे, दूसरा इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी आएगी आपस में। इंट्रैक्शन एनर्जी कितनी होगी बताओ, यह आ जाएगा माइनस के क्यू नोट स्क्वायर अपॉन में एल, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वाली एनर्जी जो है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके अलावा और है एनर्जी, देखो ये एक शेल है एक तरीके से, इस पे चार्ज माइनस क्यू नॉट डिस्ट्रीब्यूट है, शेल की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है, प्लस के क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में टू आर, ठीक है। और ये दोनों गोले सेम है क्योंकि वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आनी है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये देखिए मैंने टोटल एनर्जी जो है यहाँ पर इस सिस्टम की लिख दी है अभी के लिए, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बराबर। जैसे सिस्टम को रिलीज करो दोनों भागेंगे, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। इसका जो सेकंड डायग्राम है वो मैं यहाँ बना सकता हूँ, कुछ ऐसा कुछ होगा, ये इधर वी स्पीड से और ये वाला भी इधर वी स्पीड से। अब जब सेपरेशन चेंज हो जाएगा दोनों पे, तो ऑब्वियसली दोनों पे चार्ज भी चेंज हो जाएगा। मैं चार्ज अब इस पे माइनस क्यू मान लेता हूँ, इस पे प्लस क्यू मान लेता हूँ। डिस्टेंस कितनी हो चुकी है अब, ये कैपिटल एल के बराबर। चलो अब देखते हैं एनर्जी कितनी है। एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी हमें कैलकुलेट करना ही था यहाँ पर। उसके अलावा अगेन वो जो एनर्जी जो पहले लिखी थी वही सेम एनर्जी यहाँ लिखनी है। अब सबसे पहले बात आती है डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट के लिए क्यू चाहिए। अब देखो क्यू कितना आएगा, ई तो वही है, एल की जगह कैपिटल एल आ जाएगा, आर तो वही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्यू रखने वाला हूँ यहाँ पर, तो एनर्जी कितनी आएगी, देखो माइनस क्यू एल ई, ये आएगी एनर्जी। और इंट्रैक्शन एनर्जी की बात करें, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एल, ठीक है। और सेल्फ एनर्जी प्लस टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में टू आर,
आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी इक्वेशन मैंने जो लिखी है यहाँ पर, ठीक है। और बेटा ध्यान से यहाँ पर है ना, स्मॉल क्यू जो है ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड तो ओके है, राइट हैंड साइड में देखा जाए स्मॉल क्यू की वैल्यू रखनी है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई कैपिटल एल इंटू आर, ये स्मॉल क्यू रखना है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। एंड इस वाले पार्ट में भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट के क्यू नॉट स्क्वायर बाय एल, और देखो इसमें देखो के क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर है, साफ साफ नजर आ रहा है आर जो है वो एल के कंपेरेटिवली काफी स्मॉल है, तो ये वाली क्वांटिटी लार्ज होगी, ये वाली क्वांटिटी भी ऑब्वियसली लार्ज होगी। तो ये जो दिख रहा है ना आपको के क्यू स्क्वायर बाय एल वाला पार्ट, के नॉट स्क्वायर बाय एल वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को आप हटा सकते हो रफली, इन दोनों पार्ट को आप हटा दीजिए। एंड देन फिर सोल्व करेंगे ना, वी की वैल्यू जो बेटा आएगी अपने पास ई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस स्मॉल एल स्क्वायर बाय एम, ठीक है। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द स्पेस वेरीज द टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ, दिस फील्ड इज क्रिएटेड बाय टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, वन ऑफ देम इज फिक्स्ड एट डिस्टेंस आर नॉट from the observation point and the other one is moving with a constant velocity. Neglect electromagnetic induction due to motion of the moving charge. अब पूछा क्या है वो देखते हैं अपन, ठीक है। Modulus of each charge is, तो charge पे आवेश पूछा है, charge की value पूछी है, sorry, particle पे, ठीक है, और दोनों पे वो भी। देखो ध्यान से देखना इस पर, ये जो graph है ना, मतलब हमें ये दे रखा है एक charge है यहाँ पर, ध्यान से देखना आप, एक चार्ज मैंने यहाँ लिया Q नॉट चार्ज मान लिया, इससे कोई पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, और इसकी डिस्टेंस जो आर नॉट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। एक और चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है ताकि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। अब आप देखो कि टो टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो है, तो इतना तो कन्फर्म है दोनों जो चार्ज है वो आइडेंटिकल है और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे कैंसिल आउट करेगा, तो टो टाइम पर ये कंफर्म है कि वो जो दूसरा चार्ज है वो इस वाले पॉइंट पर होना जरूरी है, और ये डिस्टेंस भी कंफर्म है आर नोट के बराबर होगी, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, तो इस चार्ज की वैल्यू भी क्यू नोट के एक्जैक्टली बराबर होगी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी दोनों जो तरफ जो ग्राफ सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये जो चार्ज है ना ये इस लाइन पर मूव कर रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब चार्ज जो क्यू नोट है ना ये मूव करता आएगा ऐसे, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि टो टाइम पर हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू पूछी है, तो देखिए अगर मैं टो टाइम से बहुत पहले ले लूँ या बहुत बाद में ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू नॉट आ रही है, इसका मतलब ये जो चार्ज है बहुत दूर चला जाएगा, तो ये जो चार्ज बहुत दूर चला जाएगा तो इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल क्यू नॉट का यहाँ पर ऊपर मिलेगा, और क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कितना आएगा, के क्यू नॉट अपॉन में आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर डायग्राम के अंदर ई नॉट, बस के की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू नॉट की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E नॉट इंटू आर नॉट स्क्वेयर, ये चार्ज की वैल्यू आ चुकी है। तो देखते हैं जरा कि ये वैल्यू है या नहीं है, आइए देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वेयर इंटू ई नॉट, तो थर्ड का जो है सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पे चले अपन, इसके नेक्स्ट पार्ट पे कह रहा है कि स्पीड ऑफ मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्ज की स्पीड कितनी है वो हमें देखना है, ठीक है। तो बैक साइड में चलते हैं, चलो ग्राफ आपके सामने ही है, ठीक है। अगर आप गौर से देखो, जैसे ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है वो एक्चुअल में देखा जाए इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, तो अगर मैं इस चार्ज को एकदम इस वाले पॉइंट पे ले आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, और अगर हल्का सा मैं स्लाइटली इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ पर, ठीक, क्यू नॉट को यहाँ ले आया और बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए लेके गया मैं, है ना, यहाँ से जैसे यहाँ आया, इन दोनों पॉइंट के लिए बात करूँ, यहाँ से जैसे यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में सपोज टी टाइम लगा। नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ मैं ताकि थोड़ा डायग्राम सही से बन जाए। देखो तो ये चार्ज जो है वो यहाँ इस वाले पोजीशन पे आ गया और टी टाइम लगा लेट से यहाँ तक इसको आने में, और वी स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड वी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वी टी, और वी टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस चार्ज के कारण किधर की तरफ आएगा, इस तरफ, और इस वाले का इधर की तरफ आएगा, ये कन्फर्म है, ये वाला एंगल भी काफ़ी स्मॉल होगा फिर तो, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आर नॉट के बराबर होगी, क्योंकि वी टी इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा अपने पास, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, के क्यू नॉट केवल इस चार्ज की अपॉन आर नॉट स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा,
ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और इस फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, के क्यू नॉट अपॉन आर नॉट स्क्वायर कोस थीटा आएगा। एंड इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, जब थीटा स्मॉल होता है तो रफली इस वाली की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट के क्यू नॉट अपॉन में आर नॉट स्क्वायर आ जाएगा। और इस वाले का फील्ड भी इधर की तरफ, के क्यू नॉट अपॉन में आर नॉट स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देंगे, तो कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर, बहुत ही कम, समझ हमारी बात। तो ये तो ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा लगभग। और अगर इधर वाले पार्ट की बात करें तो इस तरफ वाला जो पार्ट है उसका वैल्यू कितना आएगा, इस तरफ वाले पार्ट का कंपोनेंट कितना आएगा, इधर देखिए, के क्यू नॉट अपॉन आर नॉट स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। और थीटा जो है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये अप्लाई करें अपन तो कितना आ जाएगा, देखो के क्यू नॉट, थीटा की वैल्यू रख दो वी टी अपॉन में आर नॉट, और आर नॉट का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया जब ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी स्मॉल है यहाँ पर देखा जाए तो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंसीडर कर लेता हूँ ई है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खाली यही तो बचा। तो ओवरऑल जो फील्ड है ऑलमोस्ट इस वैल्यू के बराबर होगा। और अगर मैं इस तरफ ई बाई टी कर दूँ तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आई, के क्यू नॉट वी अपॉन में आर नॉट क्यूब आया, ठीक है। अब एक बार के लिए ग्राफ पे चलते हैं वापस। आइए देखिए ग्राफ पे आ जाइए, इधर वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। तो सिविटी इज वेरी वेरी स्मॉल, ये याद रखना, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। आइए, तो मैं मतलब टो टाइम पर तो इलेक्ट्रोफिल जीरो था, और हल्का सा टाइम लिया मैंने, मान लीजिए यहां तक टाइम लिया, टी लिया था मैंने टाइम, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, ई आई, ठीक है। और ई बाई टी की वैल्यू है अपने पास। और अगर आप इस डायग्राम से देखें तो अगर ये ई बाई टी टेन थीटा है, ई बाई टी टेन थीटा, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी तो टेन थीटा सेम होगा, और जो कि किसके बराबर होगा, ई नॉट बाई टी नॉट, ये वाला गैप, तो इसको मैं ई नॉट बाई टी नॉट लिख सकता हूँ, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और ई नॉट अपन को पता ही है, ई नॉट कौन सा फील्ड था जब वो दूसरा चार्ज जो था इन्फिनिटी पे चला गया था, बस इसकी वैल्यू रखनी है। अब देखो तो के क्यू नॉट, अच्छा, के अपॉन में आर नॉट क्यूब, और क्यू नॉट की वैल्यू अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे कितना था, या के क्यू नॉट अपॉन में आर नॉट क्यूब इंटू वी इक्वल टू ई नॉट अपॉन में टी नॉट है यहाँ पर। तो के क्यू नॉट आर नॉट क्यूब में से क्या करो, आर नॉट स्क्वेयर रख दो यहाँ पर, और यहाँ आर नॉट रख ले लो, के क्यू नॉट अपॉन आर नॉट स्क्वेयर वही था, ई नॉट के बराबर था ये, अभी ई नॉट से ई नॉट यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, देखो। सो अपन को वी चाहिए था तो वी बराबर कितना आ गया, फाइनली आर नॉट को इधर ले जाइए, आर नॉट अपॉन टी नॉट। तो ये लो जी स्पीड आ गई, तो जो चार्ज है जिस स्पीड से मूव कर रहा है दैट इज आर नॉट अपॉन टी नॉट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक सा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन बी पे आ गए हम। आइए, इफ एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल एंड एनर्जी डेंसिटीज ई वी एंड यू रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज आर करेक्ट। तो देखो ई, जैसे पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ई की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपन आर स्क्वेयर, वी की वैल्यू कितनी होती है पोटेंशियल की, के क्यू अपन आर, और एनर्जी डेंसिटी जो है यू, उसको लिखते हैं अपन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट देखो, ई और यू के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो देखो ई इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये जो पैराबोला टाइप में अपन को नजर आ रहा है हालांकि, लेकिन यहाँ पर ये ई जो दिख रहा है ना, ये ई प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर आना चाहिए, तभी इस टाइप से जो ग्राफ है सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट चलिए, वी और यू में रिलेशन देखो, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है, कैसा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, क्योंकि गिवन चार्ज है तो सीधी सी बात है, वी प्रोपोर्शनल टू आर, वन वन ओवर आर होगा, और ई प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर है। तो अगर आप गौर से देखो, यू प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वेयर है ना, और ई स्क्वेयर ई प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वेयर, तो मतलब वन ओवर आर की पावर फोर आ गया, और वन ओवर आर जो है वन ओवर आर जो वी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, वी की पावर फोर, वी की पावर फोर के प्रोपोर्शनल होगा, तब जाके बात बनेगी, तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, ई और यू के बीच में ग्राफ दे रखा है ऐसा, हाँ ये कह सकते हो आप, ये जो इक्वेशन है ई और यू के बीच में, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ग्राफ सही है, पैराबोला है, मैथ्स इतना ही आप जानते हो। फोर्थ देखो, वी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर और यू के बीच में ग्राफ देखो दे रखा है अपन को, कुछ इस टाइप से बना रखा है, ठीक है जी। तो ग्राफ हमने वी स्क्वेयर के बीच में बनाना है, तो ये वी की पावर फोर है,
यू प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 4 है तो वी स्क्वायर की पावर 2 हो गया, वी स्क्वायर एज ए वाई है तो ये वाई स्क्वायर यू प्रोपोर्शनल टू, ये भी बात सेट नहीं हो रही क्योंकि अगर अगर ये ग्राफ ऐसा होता ना कुछ इस टाइप से तो भी बात, तो भी मामला बन जाता, बट ये वाला ग्राफ जो है इसके अकॉर्डिंग फिर सही नहीं है तो ये वाला भी गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन का जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, आइए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दो चार्ज दे रखे हैं आपको, एक तो चार्ज यहाँ दे रखा है पॉइंट चार्ज और एक चार्ज यहाँ दे रखा है 2q। ठीक है इसके कोऑर्डिनेट है 1.0, इसका कोऑर्डिनेट 0.1। एक क्वार्टर सर्कल ले रखा है और इस पर q1 चार्ज रखा हुआ है और आपसे पूछा है कि ओ पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना तो बताओ कौन सा जो है स्टेटमेंट जो भी है ऑप्शन सही है। तो पहले अपन तो एक काम करते हैं, इन दोनों चार्ज का ओ पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्यू का ओ पॉइंट पर फील्ड कितना आएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस का आई कैप। इस वाले का फील्ड डाउनवर्ड आएगा मतलब अगेन माइनस, 2KQ अपॉन में ए स्क्वायर जे कैप है ना। और बाकी जो पी पे जो चार्ज रखा है ना उसका भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा ओ पॉइंट पर, उस फील्ड को मैं ई वेक्टर मान लेता हूँ। टोटल फील्ड कितना होना चाहिए, 0 है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, इस चार्ज का होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा कितना आएगा, इसको इधर लेके जाओ तो के एक काम करते हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को बाहर ले आओ, ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप है ना, ये वेक्टर आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि जो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर आप गौर से देखो तो आई कैप प्लस 2j कैप बोले तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है ये वेक्टर है, ये डायरेक्शन है, सही है डायरेक्शन आ गई आपके पास देखो। और अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर देखूं तो आई कैप प्लस 2j कैप का यूनिट वेक्टर कितना आएगा, आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन में √5 ना, ये लो जी ये यूनिट वेक्टर भी आ गया। तो इस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है और अगर मैं इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि लेंथ ए की इक्वल है, रेडियस के बराबर है, तो ये ए आ गया, ये भी ए आ गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर नहीं आ जाएगा क्या। पोजिशन वेक्टर बोले तो कोऑर्डिनेट्स आ गए देखो, ए अपॉन √5 टू ए अपॉन √5, तो ए अपॉन √5 एंड टू ए अपॉन √5 आ रहा है ना इसमें, तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो गया। दूसरा चार्ज की वैल्यू भी हमसे पूछी है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ तब भी होगा जब ये चार्ज नेगेटिव होगा, खुद की तरफ आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर और ये आएगा 1 का और 2 का स्क्वायर, तो फिर अंडर रूट आ जाएगा √5। ये इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होना चाहिए। क्यू डैश क्यू वन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू वन अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल आएगा क्योंकि डिस्टेंस ए है, ए और के ये दोनों के दोनों कट गए देखो, तो क्यू वन बराबर √5 इंटू क्यू आया कि नहीं आया, तो क्यू वन बराबर √5 क्यू आया लेकिन पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया है यहाँ पर, वैसे पता ही है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सेकंड और थर्ड इसके करेक्ट है। आइए थर्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय द रिलेशन Vx इक्वल्स टू 4 + 5x² ओके, इफ ए डायपोल इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन -1, 0 देन विद डायपोल मोमेंट पी वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन देन। तो चलो देखते हैं 4 + 5x² है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो V दे रखा है तो E की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ dv/dx, फोर्थ का तो 0 हो जाएगा माइनस dv/dx, तो 5 × 2x का कितना आ जाएगा, x² का कितना आ जाएगा 2x। ठीक है तो ये वैल्यू आ जाएगी E की माइनस का 10x। अब हमें डायपोल को कहाँ रखना है वो देखो, डायपोल इज प्लेस्ड -1, 0 यहाँ पर है देखिए इस वाले पोजिशन पर -1, 0 और पोटेंशियल की बात करें तो ध्यान देना 5x² ही है, तो -10x मैंने लिया तो है यहाँ पर, लेकिन इस चीज पर थोड़ा गौर करना क्योंकि ये जो पोटेंशियल है x बराबर 0 पर तो कितना है 4 है, और जैसे मैं नेगेटिव साइड भी जाऊंगा ना पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, तो 4 + 5x² करेंगे तो पोटेंशियल इस तरफ इंक्रीज होगा और इधर चलूँ तो भी इंक्रीज होगा, तो अगर मैं इस तरफ चलूँ तो इंक्रीज होगा, तो x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा ना तो e की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव रखो माइनस का 1 रखोगे ना यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसका मतलब इस वाले पोजिशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में है। देखो ये मैं इस कलर से शो कर देता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस वाले पोजिशन पर कितनी है, हालांकि माइनस का 10x है लेकिन वैल्यू अगर मैं 1 पे देखूँ तो कितनी है 10 इस डायरेक्शन में। और अब डायपोल को किस तरफ रखा है, डायपोल मोमेंट पी वैक्टर पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो डायपोल को अपन रख देते हैं इस तरफ, देखो y डायरेक्शन की तरफ ये पॉइंट करके रखा हुआ है p वेक्टर। ठीक है और डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस तरफ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही है ये आ गया। अब देखते हैं फोर्स क्या लगता है, नेट फोर्स में डायपोल इज 0,
डायपोल पर क्या नेट फोर्स जीरो है, इस पूरी लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 10 के बराबर, तो और ऑब्वियसली प्लस पे फोर्स इधर लगेगा माइनस फोर्स इधर लगेगा, तो डायपोल पर फोर्स जीरो है, कंफर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड चलो, नेट टॉर्क ऑन द डायपोल इज जीरो, डायपोल पर नेट टॉर्क जीरो है क्या? नहीं, प्लस पे फोर्स इधर लगेगा माइनस फोर्स इधर लगेगा, डायपोल यू रोटेट होगा ना, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड, नेट टॉर्क ऑन द डायपोल इज नॉट जीरो एंड इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या ऐसा है? यस, डायपोल पर नेटवर्क जीरो नहीं है, लेकिन ये वाला प्लस जो चार्ज है वो यूं घूमेगा, नेगेटिव वाला यूं घूमेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो डायपोल है वो रोटेट होगा, इसका मतलब थर्ड सही है। फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है जो कि गलत हो जाएगा, तो इसके करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। आइए देखो, क्वेश्चन काफी बड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स है, एक बोल है, न्यूट्रल बोल है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि इस बोल को इस किसी एक प्लेट पर हल्का सा कनेक्ट किया थोड़ी देर के लिए एंड देन फिर छोड़ दिया। तो जैसे इस बोल को यहाँ से कनेक्ट करके छोड़ोगे तो सीधी सी बात है प्लस प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पर इस बोल पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो तो कन्फर्म आने वाला है। तो कुछ ऐसा होगा, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और इस वाले गोले को यहाँ से जैसे रिलीज किया इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, तो जो बॉल है ना बॉल स्पीडअप होगी और बॉल एक्सेलेट होते हुए यहाँ जाएगी और जैसे ही इसे भिड़ेगी ना प्लस माइनस को न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल करने के साथ साथ माइनस इसमें एक्सेस में है तो वो माइनस इस वाली बॉल पे भी आएगा। अब जब इस वाली बॉल पे आएगा तो अगेन अब जब ये बॉल यहाँ है तो इसे कॉन्टैक्ट में आ चुकी है कुछ हल्के से टाइम के लिए अगर हम बात करें तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और माइनस आने के बाद अब देखना ये प्लस ये माइनस है तो माइनस इसको रिपेल करेगा प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, बॉल वापस अगेन स्पीडअप होती हुई इधर जाएगी तो फोर्स लगेगा इस पे ऑल टाइम। तो चार्ज जो बोल है ना ये लगातार इनके बीच में भिड़ती रहेगी और भिड़ती रहेगी, तो ये प्लस और माइनस जो चार्ज हैं एक तरीके से दोनों प्लेट के बीच में ही शेयर हो रही है, इनकी शेयरिंग चलती रहेगी और ये न्यूट्रल होते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे चार्ज जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट कह रहा है बोल मूव्स टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन द प्लेट्स एंड इन बोथ टू एंड फ्रो मोशन इट इज एक्सेलरेटेड, ऑब्वियसली सही है, एक्सेलरेट होगा ये। सेकंड क्या कह रहा है, चार्ज ऑफ द बोल द चार्ज ऑफ बोथ द प्लेट्स इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड बिकम्स न्यूट्रल इन इनफाइनाइट टाइम, ये भी ठीक है, इनफाइनाइट टाइम बाद देखें तो ये दोनों पे जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। थर्ड कह रहा है द चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्वड एंड इट इज ओनली ट्रांसफर्ड बिटवीन द प्लेट्स विद द हेल्प ऑफ द बोल, चार्ज सिस्टम का वो तो ऑब्वियसली कंजर्व रहेगा रहेगा और आपस में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। फोर्थ कह रहा है फाइनली पॉजिटिव प्लेट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, ये गलत हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पर फाइनल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, ओवरऑल जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा दोनों प्लेट पर, ठीक है, आपस में शेयरिंग कारण, तो ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, ए पॉइंट चार्ज q1 इज प्लेस्ड इन द कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर एंड अनदर पॉइंट चार्ज q2 इज प्लेस्ड आउटसाइड इट एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला देखो, इफ q1 इज स्लाइटली शिफ्टेड द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी ओनली चेंजेस, देखो बाहर वाला जो भी चार्ज होता है उसके कारण अंदर को इंपैक्ट नहीं पड़ता और अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर को इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आपने q1 चार्ज को रखा है तो q1 के कारण यहां पर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और कितना आएगा माइनस का q1 और बाहर q2 रखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर आएगा बाहर वाले q2 के कारण और जो अंदर से बाहर जो चार्ज गया वो भी आएगा कुछ ना कुछ, ओवरऑल जो चार्ज है इस कंडक्टिंग बॉडी पर ओवरऑल चार्ज कितना है जीरो, जीरो रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हमने अगर q1 को शिफ्ट किया ना आगे पीछे तो उसके कारण बेटा केवल और केवल इस माइनस के डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि इन दोनों चार्ज के कारण बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जीरो, तो इसको शिफ्ट करने से बाहर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं q2 को शिफ्ट करूँ ना आगे पीछे तो अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको शिफ्ट करने से इस वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंजेस आएंगे क्योंकि इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। बस अब इसको रीड कर लो, देख लो कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा, q1 अगर आपने शिफ्ट किया स्लाइटली तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी तो इनर सर्फिस पे जो है ना कैविटी के वो चेंज होगी, ये सही बात है। सेकंड देखो, इफ q1 इज स्लाइटली शिफ्टेड द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सर्फिस ऑफ द कैविटी ओनली चेंजेस, ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखो, इफ q2 स्लाइटली शिफ्टेड द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सर्फिस ऑफ द कैविटी ओनली चेंजेस, ये भी गलत हो गया, q2 के शिफ्ट होने से अंदर वाले चार्ज डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्थ देखो, इफ q2 स्लाइटली शिफ्टेड द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सर्फिस ऑफ द कैविटी ओनली चेंजेस, ये सही बात है। ठीक है, आउटर सर्फिस ऑफ द कैविटी ओनली चेंजेस, इनर सर्फिस तो ये होगी और आउटर सर्फिस मतलब ये वाली होगी सर्फिस वाली, ठीक है, तो ये डेफिनेटली चेंज होगी। तो यहां पर जो है इसके जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएंगे। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो एक वायर फ्रेम दे रखा है, ठीक है, सर्कुलर, ग्रेविटी इग्नोर कर दो,
डायपोल रखा हुआ है और डायपोल मोमेंट पी है और एंगुलर पोजीशन जो है वो आर है और एंगुलर पोजीशन सॉरी थीटा है और डिस्टेंस कितनी आर है। इस पे एक यहाँ पर चार्ज बॉल रखी हुई है, एक बीड रखा हुआ है, मास एम है और उस पे चार्ज कितना है माइनस का क्यू है, ये यहाँ पर पिक्चर दे रखी है हमें और ग्रेविटी को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ, वायर फ्रेम हमें दे ही रखा है। अब पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बीड एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एंगुलर पोजिशन इज। आप जैसे इसको रिलीज करोगे तो हमसे ये पूछा ये है कि जो बीड है इस बीड की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की वैल्यू एंगल थीटा के टर्म्स में क्या होगी, ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं, डायपोल डिस्टेंस आर, अभी ये पोजीशन यहाँ पर है, देखिए इस डायपोल का इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, वी जीरो, तो इस पे चार्ज नेगेटिव भी है तो इस बीड की जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो आएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपने रिलीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायपोल का इस तरफ आएगा इस पोजीशन पर और नेगेटिव चार्ज तो फोर्स ऊपर लगेगा तो ये चार्ज जो है मूव करेगा यू, और जब किसी एंगुलर पोजिशन थीटा पे आएगा तो लेट से इसकी स्पीड इसके पास वी के इक्वल है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी स्पीड के पास वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इवन। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी आएगी, तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा डायपोल का। अब डायपोल का इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो डायपोल के डायपोल मोमेंट से आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर पोटेंशियल कितना होता है, अपन जानते हैं के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का क्यू आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ से अपन स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको इधर ले आइए पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन फिर एम को डिवाइड कर दीजिए, टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, चलिए 2k पी क्यू कोस थीटा अपॉन 2k पी कोस थीटा अपॉन में एम आर स्क्वायर, ठीक है, और ये वी स्क्वायर आ गया, वी की वैल्यू आ जाएगी, अनरूट कर दो इसका, ये वी की वैल्यू आ गई। चलो चेक कर लेते हैं, देखो क्यू पी कॉस थीटा तो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, एम आर स्क्वायर बीड में आ रहा है और बाकी 2k आ रहा है, तो देखो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 2k हो जाएगा तो 1/2 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्रेम ऑन द बीड इज जीरो, ये कह रहा है बीड पर नॉर्मल फोर्स कोई जो वायर फ्रेम है ना कोई फोर्स नहीं लगाएगा, एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसको चेक करना पड़ेगा अपन को। आओ देखो ग्रेविटी तो है नहीं, एक चीज देखते हैं अपन, सबसे पहले इस वाली पोजीशन पर इस पर डायपोल फोर्स कितना लगाएगा उसको देख लेते हैं। देखो डायपोल जो है डायपोल मोमेंट यहां पर पी है, इसके पी के कंपोनेंट ले लेते हैं, एक तो पी का कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, एक पी का कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, ये वाला तो आ जाएगा पी साइन थीटा और यह आ जाएगा पी कोस थीटा। देखो पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है, वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन लगा रहा है, उसमें नॉर्मल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और पी कॉस थीटा जो है उसका इलेक्ट्रिक इधर आएगा, इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2 times ऑफ के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ध्यान से देखना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियल डायरेक्शन है और नेगेटिव चार्ज है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्यू से तो फोर्स अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और नॉर्मल भी चलो मान लीजिए अंदर की तरफ मान लूं मैं एन, तो दो फोर्स लगे और इन दोनों फोर्स के कारण ही ये घूम रहा है सर्कल में, तो मैं एम वी स्क्वायर बाय आर इसको लिख सकता हूँ, है ना, तो ये आ जाएगा नेट फोर्स इक्वल्स टू एम इनटू वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। अब वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई, ये वैल्यू रख दें हम, तो देखते हैं क्या, देखो क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर इसको फर्दर चलो यहाँ बना देता हूँ मैं, देखना 2kpq cos θ/r³, ठीक है, और प्लस में एन है और बराबर एम बाय आर और वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो देखो 2kpq cos θ/m² स्क्वायर, ठीक है, अब देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ये आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, इसको आर क्यूब कर दो यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई, और देखो एग्जैक्टली बराबर, देखो 2kpq cos θ/r³ 2kpq cos θ/r³, ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है, जीरो नहीं आई क्या, यस, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगने वाला है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, इफ द वायर फ्रेम वर नॉट प्रेजेंट बीड एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट आफ्टर ट्रेसिंग कंप्लीट सर्कल, देखो इतना तो कन्फर्म है एनर्जी कंजर्व रहेगी तो ये चार्ज पार्टिकल यूं जाएगा और यहाँ तक घूमता हुआ यहाँ तक आएगा, यहाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो जानी है, तो ये तो है हाफ सर्कल तो करेगा लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, इसका मतलब थर्ड वाला इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखो, बीड वुड मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ अंटिल इट रीच द अपोजिट इट स्टार्टिंग पोजिशन एंड देन एग्जीक्यूट पीरियडिक मोशन, ऑब्वियसली
यूं जाएगा एंड देन वापस यूं आएगा, इस तरीके से ये ऑसिलेटिंग मोशन चलती रहेगी, लेकिन जो है कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेवंथ पाइए। इन अनदर वर्ल्ड इंस्टीड ऑफ द कूलम्बिक कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर ऑन ए पॉइंट लाइक चार्ज क्यू ड्यू टू अनदर पॉइंट लाइक चार्ज कैपिटल क्यू इज फाउंड टू ओबे द फॉलोइंग लॉ। तो इस लॉ को फॉलो कर रहा है जी, ठीक है। हियर अल्फा इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, आर वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ द चार्ज क्यू रिलेटिव टू द चार्ज कैपिटल क्यू। तो क्यू चार्ज है, इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू है ना, का पोजिशन वैक्टर है आर वैक्टर, और इसी स्मॉल क्यू पे जो लगने वाला फोर्स है ना वो फोर्स ये है। वैसे तो हम के क्यू अपॉन में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जी। लेकिन है रेडियल डायरेक्शन में, इंटरेस्टिंग बात ये है, देखो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आर में जीरो रखूँ यहाँ पर, ए की वैल्यू दे थोड़ी रखी है अपन को, ए इज ए तो खाली यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, एक्चुअल में यहाँ पर अल्फा है, अल्फा इज कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, राइट, ठीक है। तो ये फोर्स जो है वो रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। अब हो सकता है कि इनवर्ड लग जाए, क्योंकि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो उस केस में फिर जो है ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फोर्स पहले कुछ बाहर लग रहा हो रेडियली एंड देन फिर अंदर लगने लग जाए, ऐसी पूरी पूरी संभावना है यहाँ पर, ठीक है, इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए तो पहला पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इज, क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना होता है, फोर्स में इस स्मॉल क्यू को डिवाइड कर दो यहाँ पर। तो क्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्यू हट जाएगा यहाँ से, तो कैपिटल क्यू वन माइनस अंडर रूट ए आर अपॉन में फोर एप्सिलॉन आर क्यूब इनटू आर वेक्टर, ये सही है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस फील्ड ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज आल्सो जीरो। तो लाइन इंटीग्रल जीरो होना चाहिए क्या? थिंक लॉजिकली, फील्ड तो ऑब्वियसली रेडियल रहेगा, चाहे इधर हो चाहे अंदर की तरफ हो, ये तो कन्फर्म है। और जब फील्ड रेडियली इनवर्ड रहेगा तो एक चीज तो कन्फर्म है कि इसको जब आप ई डॉट डी एल वैक्टर करोगे, जैसे डी एल वैक्टर से मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, ठीक है, इस चार्ज क्यू के कारण इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करके मान लीजिए यहाँ तक स्टडी करते हुए यहाँ आऊँ, ये आर अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए आर वन है, ये आर टू है, किसी रैंडमली कोई पोजिशन मैंने ले ली, डी एल वैक्टर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो ई वेक्टर और डी एल वेक्टर करोगे तो ई वेक्टर चलो हो सकता है इस तरफ हो, बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, वो कुछ भी हो सकता है। डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन जो आएगा वो ऊपर डी एल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा, ई डी एल कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो डी एल कॉस थीटा तो डी आर को बताएगा फिर ये, तो ई इंटू डी आर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ई इंटू जो डी आर है, डी आर करोगे आर वेक्टर, आर वेक्टर मॉडुलस आर के बराबर होगा, आर क्यूब से आर हट जाएगा, ये केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो इस वाले को हटा सकते हो आप, केवल आर स्क्वायर रख सकते हो, और इंटू में डी आर अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल वैक्टर की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको इंटीग्रेट भी करेंगे ना, तो इनिशियल लिमिट और फाइनल, देखो ई डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा क्लोज लूप के लिए, तो वापस घूम करके वहीं आना होगा। तो जब इंटीग्रेट करोगे आप इनिशियल से फाइनल के लिए, तो लिमिट तो सेम ही लगेगा ना इनिशियल और फाइनल वाली, तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, जीरो ही तो आना है। तो इसका मतलब क्लोज लूप के लिए ई डॉट डी एल की वैल्यू जो जीरो आएगी, ये कन्फर्म है। थर्ड, गॉस लॉ के लिए ई डॉट डी एस, क्या गॉस लॉ के लिए ऐसा संभव है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट वाला कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो गॉस लॉ जब अपन अप्लाई करते हैं तो ई की वैल्यू चार्ज के लिए अगर अपन बात करें तो ई की वैल्यू आती है के क्यू, क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डी ए का इंटीग्रेशन फोर पाई आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, तब जाकर के फोर पाई से फोर पाई, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ज की वैल्यू ये है, इस आर को तो चलो हटा दो, ये आर स्क्वायर आ गया, और फोर पाई आर स्क्वायर अगर मैं करूँ, 4 पाई आर स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, लेकिन ये आर बच रहा है यहाँ पर, तो खाली क्यू पर डिपेंडेंसी ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। फोर्थ, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेवंथ क्वेश्चन के जो आंसर है करेक्ट आंसर, वो फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ईजी क्वेश्चन है, पढ़िए। ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पोजीशन एक्स एक्सिस ऑन द फिगर, विच ऑफ द फिगर व्हाट विद द फिगर व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग। देखो जो चार्ज से फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं ना, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स चार्ज के मॉडुलस के प्रोपोर्शनल होती है, ज्यादा फील्ड लाइन्स चार्ज का मॉडुलस ज्यादा, मैग्नीट्यूड ज्यादा। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है इस चार्ज से ज्यादा फील्ड लाइन्स निकल रही है, इसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। अब Q1 greater than Q2 है तो Q ज्यादा स्ट्रॉन्ग है Q2 से, और ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में फील्ड तो जीरो होने वाला है नहीं, ये ज्यादा पावरफुल है। तो फील्ड अगर जीरो होगा तो इस नेगेटिव के इधर की तरफ फील्ड जीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव का फील्ड तो इधर आएगा, पॉजिटिव का फील्ड इस पॉइंट पर इधर आएगा, ये यहां पर कैंसिल आउट हो सकते हैं, यहां तो इसी का ही इफेक्ट ज्यादा रहेगा। तो नेगेटिव के साइड में जो पॉइंट है वहां पर फील्ड की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो जो इसमें फील्ड जीरो कर रखा है तो वो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए, इस स्फेरिकल मेटल शेल ए ऑफ रेडियस आर ए एंड सॉलिड मेटल स्फीयर बी ऑफ रेडियस आर बी, आर बी इज लेस देन आर ए, तो एक तो आर ए है एक आर बी है, छोटा गोला ये और ये आर ए। अब क्या कह रहे हैं, आर केप्ट फार अपार्ट एंड ईच इज गिवन क्यू बाई टू, इस पे भी क्यू बाई टू चार्ज दे दिया, इस पे भी क्यू बाई टू चार्ज दे दिया, ठीक है काफी दूर रखें, दे आर कनेक्टेड बाय थिन मेटल वायर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट दिस सिचुएशन। पहला कह रहा है द इनसाइड शेल ए, ये शेल है ये सॉलिड स्फीयर है, ए एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिकली जीरो, जैसे आप इनको दोनों को कनेक्ट करोगे सीधी सी बात है थोड़ी देर के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, और मेटल के अंदर हर पॉइंट इलेक्ट्रिकली क्या होगा जीरो होगा, तो कंफर्म है चाहे ए बोलो चाहे बी बोलो। तो इनसाइड शेल ए एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिकली जीरो, ये कंफर्म है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सही है। सेकंड, आफ्टर कनेक्शन जोड़ने के बाद बताओ क्यू ए एंड क्यू बी क्या होगा। देखो जो चार्ज होता है ना वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, कैपेसिटी से ज्यादा है तो इस पर ज्यादा चार्ज आएगा, बाकी पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा, V बराबर कितना आएगा K Q अपॉन R, V दोनों का सेम होगा, अगर R जिसका ज्यादा है ना तो Q भी उस पे ज्यादा आएगा, तो ये कंफर्म है A पर चार्ज जो है वो ज्यादा आएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखिए, आफ्टर कनेक्शन सिग्मा A अपॉन सिग्मा B इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए, ये चेक करना पड़ेगा, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो ये के क्यू अपॉन आर मैं लिख सकता हूँ, इसको सिग्मा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यू को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कट गया तो सिग्मा इंटू आर बचा ना यहाँ पर, तो वी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इंटू आर और v कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए, तो सिग्मा ए आर ए इक्वल्स टू सिग्मा बी आर बी मैं लिख सकता हूं यहां पर, तो यहां सिग्मा ए अपॉन में सिग्मा बी इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए, ये वाला भी सही है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। फोर्थ, आफ्टर कनेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सर्फेस इज लेस देन दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द बी, तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी के कंपेरेटिवली कम है, क्या ये सही है, देखते हैं जी। एक बार बताओ इस पर सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर, वी तो सेम होगा ना, तो सिग्मा जहाँ पे आर कम है वहाँ सिग्मा ज्यादा होगा, तो सिग्मा ज्यादा होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंडक्टर के नियर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आफ्टर कनेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सर्फेस ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑन द सर्फेस ऑफ बी, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 पे आइए, पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑन द बिलो, find the component of electric field at any point on the z-axis which is the axis of symmetry of the square। ठीक है, तो इसको देखना है हमें, एक्स वाई ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, यहाँ पर जेड एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो देखो एक तो डायपोल ये बन जाएगा, एक डायपोल ये बन जाएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, इस वाले डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर इस तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सिस पर, और इस वाले डायपोल का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, सही है, एक्स वाई प्लेन में, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिकल है मैग्नीट्यूड में, तो इनका ये वाला जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी तरफ आना है एक्स डायरेक्शन में, समझ आई बात, कुछ भी नहीं है ये, तो देखो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं तो जीरो होगा, ये कन्फर्म है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरफ नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी सही है, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है ना, तो क्योंकि डायपोल का जो बाइसेक्टर जो होता है ना, इक्वेटोरियल जो लाइन होती है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा देखा जाए तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो ई जेड जीरो ई वाई जीरो, बट ई एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये थर्ड इसके अकॉर्डिंग जो है वो गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे। सेक्शन सी पे पहुंच चुके हैं अपन, आइए, दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं देखो क्यू वन एंड क्यू टू, और फ्री स्पेस में इफ एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व सराउंडिंग द चार्जेस ऑन द फिगर द नेट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल वी क्रिएटेड बाय दिस चार्ज इज 900 वोल्ट, ये जो कर्व दे रखा है ना इसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो 900 वोल्ट है, व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इन द सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये इक्वी पोटेंशियल कर्व है। अब इससे पता लगाना कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बाकी वोल्टेज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी, दोनों चार्ज पॉजिटिव है,
और डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में पूछी है। एक चीज़ देखिए, ये इक्विपोटेंशियल कर्व है, तो इसके परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी, देखो। एंगल कितना आना चाहिए? 90। ठीक है, ताकि ये चीज अपन समझ पाए। देखो, और बस इसी में ही लॉजिक है इसका, इस स्टेप्स। अगर आप गौर से देखो तो यहां से फील्ड जो है ना वो डाइवर्ट हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या चीज अपन फील कर पा रहे हैं? ये न्यूट्रल पॉइंट है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो है, सही है। और ये वाले डिस्टेंस मान लीजिए आर वन है, और ये वाला डिस्टेंस अगर आर टू है, तो क्यू वन का यहाँ पोटेंशियल, क्यू टू का यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू इक्वल्स टू 900 वोल्ट। सही है, क्यू वन क्यू टू की वैल्यू नैनो कूलाम के अंदर दे रखी है, के की वैल्यू अपन जानते हैं। तो आर वन और आर टू में एक इक्वेशन रेडी होगी। और दूसरा, ये न्यूट्रल पॉइंट है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ के क्यू वन अपॉन में आर वन स्क्वायर, इसका यहाँ पर फील्ड, और एक क्यू टू का यहाँ पे फील्ड, के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, दोनों का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तभी न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो के सी के यहाँ पे कट गया, क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू अपन को दे रखी है, ये 4 टाइम्स है, अंडर रूट करोगे तो आर वन और आर टू में रिलेशन आ जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग चीज। तो यहाँ से एक इक्वेशन और बन चुकी है आर वन और आर टू की, एक इक्वेशन यहाँ पर है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आप आर वन और आर टू की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें आर वन आर टू की अलग अलग वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आर वन प्लस आर टू चाहिए, और आर वन प्लस आर टू यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए क्यूब मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल हैज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, अज्यूमिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इट, दिस चार्ज्ड क्यूब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज टू बी जीरो, पोटेंशियल एट द सेंटर इज फाउंड टू बी वी नॉट। देखो, एक क्यूब है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है, और इस क्यूब का जो सेंटर है ना, वहां पर पोटेंशियल इस क्यूब पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी नॉट है पोटेंशियल, ठीक है। अब पूछा है कि बताओ इसके क्यूब के कॉर्नर पे पोटेंशियल जो है वो कितना आएगा, ठीक है, कॉर्नर पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करें? आइए देखिए, इस क्यूब को हम 8 पार्ट के अंदर स्प्लिट कर देते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से 8 पार्ट के अंदर तोड़ देता हूं मैं इस क्यूब को, तो 8 छोटे छोटे ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। तो एक छोटा जो ब्लॉक होगा उस पे चार्ज मैं क्यू मान लूं, तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो सभी ब्लॉक के कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये एक छोटे क्यूब का जो लेंथ है वो ए मान लेता हूं, तो जो छोटा क्यूब जो है उसका जो कॉर्नर है जो कि सेंटर पॉइंट है, उस कॉर्नर पे पोटेंशियल कितना आना चाहिए, किसकी टर्म में आना चाहिए, किसकी प्रोपोर्शनलिटी में आना चाहिए, वो प्रोपोर्शनलिटी क्या होनी चाहिए? क्यू चार्ज होना चाहिए और वो डायमेंशन ए के 1/a के प्रोपोर्शनल भी होगा, ये भी कंफर्म है, के क्यू बाई आर होता है उसी उसी फॉर्म में। और ऐसे और मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट क्या लगाऊं मैं, अल्फा मान लेता हूं, चलो क्यूब के एक कॉर्नर पर पोटेंशियल इतना, अल्फा क्यूब बाई ए, ऐसे 8 क्यूब है यहां पर, तो 8 क्यूब है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? वी नॉट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस पूरे क्यूब के कारण इसके कॉर्नर पर पूछा है, तो पूरे क्यूब के कारण कॉर्नर पे जो पोटेंशियल आएगा वो कैसे कैलकुलेट? तो पूरे क्यूब का जो चार्ज आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 8 जो है वो क्यूब है, तो मैं लिख सकता हूँ 8 टाइम्स ऑफ क्यू आ गया चार्ज, और अपॉन में डायमेंशन अब कितनी आएगी? 2a, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट तो वही रहेगा ना अल्फा, और ये भी कॉर्नर पर पोटेंशियल आ गया भी। अब यहां से देखो कुछ भी नहीं बचा अभी, ये इसको अपन अगर सॉल्व करें तो 8 क्यूब बाय a जो है, सॉरी 8 क्यूब अल्फा बाय a जो है वो v0 के बराबर, तो v0 बाय 2 वैल्यू आ रही, देखो v, और वी नॉट अपॉन लैम्डा है पोटेंशियल, और लैम्डा की वैल्यू पूछी है तो लैम्डा का मान कितना आएगा यहाँ पर? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे पे आ जाइए। एक रिंग दे रखी है, इस पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है ना, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी। तो हमसे पूछा है कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो अल्फा लैम्डा नॉट अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो चलो देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आती है। देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज करूं, यहां तक चलता हूं थीटा, थीटा यहां तक लेके जाता हूं, थीटा की वैल्यू पाई रख के देखूं तो पाई बाई टू, पाई बाई टू कोस पाई बाई टू ऑब्वियसली जीरो होगा,
जीरो होगा, तो इसका मतलब इस वाले रीजन तक अगर देखें तो चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही इस वाले में रीजन में आऊंगा, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई है, तो उस केस में चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। टू पाई रखूँ तो टू पाई बाई टू पाई कोस पाई मतलब माइनस वन, तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज आएगा नेगेटिव में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर रहेगा सेम डिस्ट्रीब्यूशन नीचे रहेगा, लेकिन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसकी पेरिफेरी से वो बराबर बराबर है, बराबर है। तो इसका मतलब पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सभी का जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, इस वाले पार्ट का यहाँ पॉजिटिव आएगा, इस वाले पार्ट का यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ओवरऑल जो पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जीरो, ताकि पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो। फोर्थ पे आइए, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल से एक पी पॉइंट दे रखा है और सेंटर पॉइंट वो है डायपोल का। इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, मतलब सीधा वर्टिकल अपवर्ड है, मतलब ये वाला डायरेक्शन यहां से एंगल 90 बना रही है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा बना रहा है तो टेन अल्फा बराबर रूट एन के बराबर, तो एन की वैल्यू बतानी है हमको। तो देखो कितना आसान है ये, तो यहाँ पर ये एंगल 90 अल्फा है, तो पी के अपने दो कंपोनेंट ले लें, यहाँ पर पी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा पी कोस अल्फा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा पी साइन अल्फा। पी कोस अल्फा का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा, पी कोस अल्फा का जो इस तरफ फील्ड आएगा उसको क्या लिखेंगे अपने, एक्सिस के लोंगे टू के पी कोस अल्फा अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, ये लेंथ आर है। और पी साइन अल्फा का जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे के पी साइन अल्फा अपॉन में आर क्यूब। तो दोनों फील्ड अपने पास आ चुके हैं यहाँ पर, और ये वाला एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस अल्फा। तो अब डिवाइड कर देते हैं अपन इसको, देखो यहाँ से ये 10 90 माइनस अल्फा कोट अल्फा हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस अल्फा ना, तो 10 90 माइनस अल्फा कोट अल्फा विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज के पी साइन अल्फा अपॉन में आर क्यूब एंड बेस इज टू के पी कोस अल्फा अपॉन में आर क्यूब। तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा अपॉन में टू कोस अल्फा बचेगा विच इज 10 अल्फा बाई टू, और ये कोट अल्फा जो 1 ओवर 10 अल्फा है, 10 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा 2 इधर ले जाओ, तो 2 बराबर आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। तो 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2, देन 10 अल्फा इक्वल्स टू रूट 2, आंसर इज 2, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो दो ब्लॉक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और अभी स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, और ये जो लेंथ है ये वाली कितनी, आर के बराबर है। आपने इस सिस्टम को रिलीज किया, अब ये पूछ रहा है कि अगर स्प्रिंग में होने वाला मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर आर हो तो बताइए के की वैल्यू कितनी है। तो अभी जैसे ही रिलीज करोगे तो बताइए अभी एनर्जी कितनी है सिस्टम की, के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन में आर। स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर है नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, और जैसे ही रिलीज करोगे तो भागेंगे इधर, और मैक्सिमम एक्सटेंशन में अगेन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो वहां पर एनर्जी कितनी आएगी, देखिए के क्यू इंटू क्यू अगेन क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू आर, क्योंकि एक्सटेंशन भी आर हो चुका है तो टू आर आ गया। और स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, हाफ के आर स्क्वायर, बस इसको इधर ले आइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, कितना बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में टू आर इज इक्वल टू वन बाई टू के आर स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, ये आर स्क्वायर आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और के की वैल्यू रख दीजिए तो क्यू स्क्वायर अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बराबर आ जाएगा अपने पास के। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने सही किया है, तो आर क्यूब वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है। अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द रिंग सेंटर, द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इज दिस। देखो चार्ज रिंग थी पहले से, इस पे कितना चार्ज था क्यू, इसके सेंटर पे चार्ज क्यू नॉट रखा, क्योंकि चार्ज पहले से क्यू था तो कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा ना। अब क्यू नोट रखने के बाद जो एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंट आएगा वो इतना है, तब लैम्डा की वैल्यू पूछिए। देखो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा अप्रोच है, वो क्या, चार्ज अगर क्यू है ना तो इसको पॉइंट बना दो एक, तो इस क्यू नोट को रखने के कारण इस क्यू चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्यू क्यू नोट अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नोट, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, समझी बात, ये फोर्स आया। अब इस फोर्स में अपन को 2 पाई से डिवाइड कर देना, एक सिंपल सी अप्रोच है ये, 2 पाई से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अपने पास टेंशन में जो इंक्रीमेंट है वो आ जाएगा डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें, तो चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखिए कितना आएगा 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8, बाकी देखो पाई स्क्वायर आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, आर स्क्वायर भी आ रहा है, क्यू क्यू नॉट भी आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू पूछिए, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 8 आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके जी, तो ये था आपका एडवांस सेक्शन। आई थिंक आपका पेपर अच्छा गया होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। बाकी पेपर आसान था ये, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इसका काफ़ी कम था। ओके, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। ओके, थैंक यू।